पार्टी और महान लीडर ने हमेशा इस पे ध्यान दिया है। अरविंद भाई जिंदाबाद। अरे शंकर, तुम्हें तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जाओ देखो। जुड़वा लड़के हुए हैं, मुबारक हो। एक परिवार के लिए और एक देश के लिए। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा पीढ़ी है और इसका नाम होगा कोड़ी। चलो बैठो। अरे रुको, रुक जाओ। शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का बहादुर खून है। हम भारत माँ के बच्चे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जमाना हमारी आवाज दबा नहीं सकता। शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हमारे रगों में हमारे पूर्वजों का बहादुर खून है। हम भारत माँ के बच्चे हैं। अरे पैर छोड़, उसका क्या कर रहा है? ये माइक नहीं, उसका पैर है, छोड़। कहीं पे भी चालू हो जाता है। हाँ हाँ, सपने देखते रहो, सो जाओ। बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? हमारे नेता हमारी भलाई के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करते हैं हमारे विकास के लिए करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके। उन्होंने दूसरे देश में अरेस्ट हुए मछुआरों को बचाया, उनके हक के लिए लड़े। इसलिए रिपब्लिक पार्टी को वोट दीजिए। अगर रिपब्लिक पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे। तो भूलिएगा नहीं, हमारी पार्टी रिपब्लिक पार्टी। धन्यवाद। आम आदमी हमारी आन है, आम आदमी हमारी शान है, और हमारे लीडर के लिए हमारी जान तक कुर्बान है। जय हिंद। मर्क्यूरी बहुत खतरनाक चीज है, जिसे अमेरिका में भी 13 साल पहले बंद कर दिया गया था, पर यहाँ उसकी फैक्ट्री आज भी चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के भोले भाले मजदूरों को नुकसान पहुँच रहा है और राज्य को भी। उनकी शिकायत किसी ने भी नहीं सुनी। पहले धीरे धीरे बीमारी हुई और फिर लोग दम तोड़ने लगे। न जाने कितनी औरतें विधवा हुई और कितने बच्चे अनाथ हो गए, और न जाने कितनी औरतें बांझ हो गई, और जो औरतें गर्भवती थी उनके बच्चे शारीरिक तौर पर विकलांग पैदा हुए। पैसे के लालच में उन्होंने हमारी उपजाऊ जमीन को जहरीली और बंजर जमीन में बदल डाला। क्या वो इसी तरह मनमानी करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे? चाहे कुछ भी हो, कल वो फैक्ट्री बंद होकर ही रहेगी। मौत के इस व्यापार को हम अपने राज्य में चलने नहीं देंगे। हम सब मिलकर उसे उखाड़ फेंकेंगे। बंद करो, बंद करो। जहरीली फैक्ट्री बंद करो। मौत की फैक्ट्री बंद करो। जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जहरीली फैक्ट्री बंद करो। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, सब लोग शांत होकर पीछे हो जाइए। कुर्बानियों के बाद हमारी पार्टी खड़ी हुई। यह आंदोलन आंदोलन नहीं, अन्याय के खिलाफ हमारी जंग है। ये फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब और सताए मजदूरों की लड़ाई है। गूंगी बहरी सरकार को यह हमारी आखिरी चेतावनी है। जाग जाओ, वरना लोगों के गुस्से का ऐसा सैलाब आएगा कि तुम्हारी कुर्सियाँ भी बह जाएंगी। मैं शंकर प्रभु इस आंदोलन के लिए अपनी आहुति देता हूँ। पार्टी को छोड़ के कभी मत जाना।
इस राज्य में बारी बारी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी पावर में आती रही है। अभी यहाँ रिपब्लिक पार्टी की सत्ता है। इस बार तो मेरा बेटा पार्टी का यूथ विंग सेक्रेटरी बनेगा ना। अरे जब नेताजी का रिश्तेदार आपके सपोर्ट में है तो फिर फिक्र करने की क्या बात है वीरा भाई? हाँ, सपोर्ट तो है, पर उस कोड़ी का नाम भी तो लिस्ट में है। मुझे उस बात की फिक्र है। सिर्फ लिस्ट में ही नहीं, वो सबके दिल में भी है भाई। हम तो पॉलिटिक्स में दौलत कमाने आए थे, लेकिन उसकी तो दौलत ही पॉलिटिक्स है। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे हो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी? अरे सर, क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? नेताजी ठीक 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मौजूद रहने के लिए कहा है। तुम टेंशन मत लो, मैंने दीदी से बात कर ली है, सब सेट है। तुम्हारी वजह से मैंने उसे अपने पार्टी में शामिल किया, अब क्या मुझे उसके हिसाब से पार्टी चलानी पड़ेगी? उससे कहो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ टांग ना अड़ाए, जाओ। तो जीजा जी नहीं माने? अरे मेरी बात तो। भाई आपका नाम सुनते ही 4 में से 3 उम्मीदवार तो पहले ही गलती हो गए, लेकिन कोड़ी पीछे नहीं हट रहा है। आप तो जानते हैं वो किसी की नहीं सुनता। कोड़ी अब तक यहाँ आया नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। अगर कॉन्फ्रेंस में वो आएगा नहीं तो जीजा जी उसे चुनेंगे भी नहीं। अब उसे यहाँ आने से रोकने की जिम्मेदारी तेरी है। फोन आया तो स्पीकर पे डाल। ए कोड़ी किधर है यार तू? बच्चा पार्टी को म्युनिसिपैलिटी स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ए चल नीचे उतर। क्या छपरी लोग, नमस्ते। तेरे को देखा तो लगा कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। सवेरे सवेरे चूहा मारने निकला है क्या? अबे जीप में बच्चा पार्टी बैठा है, किसी का सुसु निकल जाता तो। अबे कड़ी, सुसु वुसु निकलता है तो उसके लिए तू है ना पार्टी ऑफिस, छोड़ बच्चों के डायपर बदल। ओ, तो तू चाहता है मैं पार्टी ऑफिस नहीं जाऊँ? तेरी भैंस की टांग। चल अब निकल, मार्च एंडिंग चल रहा है, बच्चे लोग का एग्जाम का टाइम। ए शाने, तेरे को यहाँ से निकलने के लिए अपन लोग के लाश से गुजरना पड़ेगा। बिल्ली लोग का शिकार तो कुत्ते करते हैं रे, और आप ठहरा शेर आदमी। टाइम प्लीज। ए नीचे बैठ। देखो बच्चा लोग, आप उन्हें टॉकिंग कैट का गेम डाउनलोड किया है तो तुम लोग उसके साथ टॉकिंग टॉकिंग खेलो क्या? ओके अंकल। शर्ट गंदी मत कर, पार्टी ऑफिस में जाने का है। इसको धूल चटाऊं क्या? ए, रुक रुक रुक, लगता है तू शर्ट उतरवा के ही छोड़ेगा। शर्ट से पंगा नहीं। नहीं मानेगा, पूछ ले, चल पूछ। तेरे को लगा शर्ट गंदा होने के बाद अपन पार्टी ऑफिस नहीं जाएगा? व्हाइट शर्ट का पूरा गोदाम है आप उनके पास। मीटिंग चालू हो गई है, कहीं नजर नहीं आ रहा। कोड़ी तू यहाँ कब आया, मैंने तो देखा ही नहीं। ए भगत, जिंदगी खाली खाने पीने और मौज मस्ती करने का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे पंगे होते हैं। तेरी बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। अबे तेरे को समझ में आता तो तू अपुन की जगह पे नहीं होता। चल आगे देख, नेताजी टीवी पे हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों ने जो नाम भेजे हैं मैंने उस पे विचार किया है। सबके काम को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग के सेक्रेटरी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। पिछले चुनाव में पार्टी बुरी तरह हारी थी। पार्टी के इस हार के बावजूद उसने अपने दम पर अपने क्षेत्र में 5,000 एक्स्ट्रा वोट हासिल किए और ये साबित किया कि वो इस पद के लिए सही दावेदार है, और वो कोई दूसरा नहीं है, कोड़ी है। आज से वो डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग का सेक्रेटरी है।
मैं चाहूंगा कि पार्टी का हर सदस्य उसे सहयोग दे और कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत बनाए रखे। थैंक यू नेताजी। पहले बता देते तो अपन अपना नाम कटवा देता गुंडे गाय को भेजने का। कोड़ी चढ़ गया घोड़ी। खराब हो गया इस लड़के का। पार्टी में छोटी सी जगह क्या मिल गई, खुद को सीएम समझने लग गया है। क्या माँ, तुमको अपोजिशन पार्टी ने खरीद लिया क्या? तू चुप मरेगा, तेरे जैसे अंगूठा छाप दोस्तों की वजह से ही उसका दिमाग खराब हुआ है। क्या माँ, तुम भी। हर माँ चाहती है कि उसे कोड़ी जैसा काबिल बेटा मिले और तुम रोती रहती हो। मुझे खुशी तब मिलेगी जब वो राजनीति छोड़ देगा। अरे माँ, उसके पिता के गुजरने के बाद वो घर में कम और पार्टी ऑफिस में ज्यादा रहता है। मुझे लगा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर अपने बाप की तरह पार्टी के पीछे पागल है। मेरी तो एक बात नहीं सुनता, पता नहीं इसका क्या होगा। मुझे तो बहुत फिकर होती है। अच्छा माँ, एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। ये कोड़ी इतना शरारती है, ये पापा पे गया है या तुम पे गया है? हाँ? भाग यहाँ से। क्या माँ, रोज ये घास फूस, कभी आप चिकन मटन नहीं बना सकती? बेटा, तेरा भाई कभी कभार तो घर में खाना खाता है और उसे नॉनवेज पसंद नहीं है, इसीलिए डोसा बनाया है। अब चुपचाप खा लेना, कल तेरे लिए चिकन बना दूंगी। ये किताबी कीड़े की जबान चटपटी हो गई है, माँ को गर्मी दिखा दाए गया। चुपचाप खा ले और पंटर लोग को पढ़ा। मुझे तो लगा था कि तू पापा की तरह पार्टी वर्कर बनकर रह जाएगा। अच्छा, कांग्रेट्स। ये बात जरा माँ के भेजे में भी डाल, दुनिया भर के भाषण देता फिरता है लेकिन माँ से बात नहीं कर सकता। तू जानता है ना, माँ विपक्ष में है। तू तो बात नहीं करता लेकिन वो हमेशा तेरे बारे में बोलती रहती है और तेरी पसंद का खाना बनाती है। मैं तो जैसे उनका बेटा हूँ ही नहीं। ये सब माँ को बोला? देखो भैया, मैं एक प्रोफेसर हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ। शाणा बनता है क्या? ए भगत, जा तू बात कर। जैसे वो मेरी सुनने वाली है, मैं क्या बात करूँ? तो तू इससे बड़ा शाणा बन रहा है क्या? बात करता या तू? अरे माँ, कोड़ी यूथ विंग का सेक्रेटरी बन गया है, डोसा दो। तो क्या करूँ, मोहल्ले में मिठाई बांटू सबको? मिठाई बाद में बांटना, पहले डोसा दो। ये लोग चार चार खा गए, मेरे हिस्से में एक भी नहीं आया है। वैसे भी सीट इसे मिली है, मुझे नहीं। मुझे और ले। चुपचाप खाना खा। खाना तू ही खा, मेरा तो पेट भर गया। इससे कहो कि इसके और इसके बाप जैसे लोग पार्टी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इसे कहो आवारा गर्दी बंद करे और पास की फैक्ट्री में नौकरी कर ले, मैनेजर 20,000 पगार देगा। बता, कल वही मैनेजर अपने बेटे की नौकरी के लिए अपने पैर चाट रहा था। झूठी शान दिखाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, काम धंधा करेगा तभी इसकी किसी अच्छी लड़की से शादी होगी। इसके बाप ने तो खुद को आग लगा दी और परिवार को रोने के लिए छोड़ दिया। कल को अगर इसने कुछ ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मामू, अब आप ही फैसला करिए किसके अंडे बड़े हैं। मेरे वाले ज्यादा बड़े और मस्त है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक देसी मुर्गी डबल एक्सेल साइज का अंडा देती है। सोचना क्या है, मुर्गी अंडा देने के बाद धरतीवासी से नरकवासी बन गई होगी। तू अपना शटर बंद कर। मेरी मुर्गियाँ चिकन तंदूरी खा के अंडे देती है, घास फूस खा कर नहीं। हाँ मैडम, आपके अंडे तो कमाल के हैं। मेरे अंडे का भाव मार्केट से 50 पैसा कम है। तब तो मुझे सारे के सारे दे ही दो। ए बुढ़ऊ, तू इस लड़की के चक्कर में मेरे अंडे ठुकरा रहा है। इसके अंडे दिखते जरूर सफेद होंगे लेकिन मन के काले होंगे। तू ऐसे कैसे बात कर रहे रे? मेरा अंडा खा के ही सचिन तेंदुलकर बना है, सलमान के सिक्स पैक्स ऐसे ही बाहर नहीं आए। समझा, बात करता है। इसने तो ब्रश भी नहीं किया है, क्यों उसके मुंह लग रही है? जाओ अपने अंडे, मतलब मुर्गी के अंडे लेके आओ। लाती हूँ। कह रहे बुढ़ऊ, लड़की देख के लाल टपकने लगी। ए, ज्यादा मत बोल, ये मेरी लड़की की उम्र की है। तो तेरे बेटे से शादी करवा दे इसकी और दहेज में अंडे खाते रहना। जा अपने अंडों का ऑमलेट तू ही खा। लाओ मैडम, सारे अंडे मुझे दे दो। लाओ, संडे हो या मंडे, खाते रहो मैडम के अंडे। दिवाली हो या ईद, हमेशा खाओ। अरे पूरी लाइन तो बोलने देता। गाँव बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या भाई जग्गू, तुम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। घास ना, माफ कर यार। अरे मैडम के अंडे तो नाजुक हैं, तेरे तो स्ट्रॉन्ग है, लेके आ। तू
तुमने मेरे अंडे फोड़े, अब मैं तुझे फोड़ूंगी। आज पता चला कि औरतों का दिमाग घुटनों में क्यों होता है। ओए रुक तो, ओ बहने। अरे उसने बारा की टिकट ले ली मैंने। ए ए रुक रुक रुक, ए नो एंट्री है, ए ए कब कमाल है, ए रुक 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 रुक, एक मिनट नो एंट्री है, कार घुस रही हो। अरे मामू वो लड़का भी तो यहीं से गया ना, उसको तो नहीं रोका, फिर मेरे को क्यों रोक रहे हो? उसने मुझे चूड़ा लगाया तो क्या तुम भी मुझे चूड़ा लगाओगी? आपके हाथ से फिसला है, मेरे हाथ से नहीं फिसलेगा। तारी मासी ने, ओए ऐसे नाटक मत कर जैसे किसी ने गोबर फेंका हो, अंडा ही तो है, चल मुंह धो और निकल ले। थैंक यू वेरी मच। मम्मी मरी गयो। कहाँ जाना है? मेरे को तेरे प्रिंसिपल मामू से मिलने का है, जाके बोल अंडे वाली आई है, अब से इस कॉलेज कैंटीन में मेरे ही अंडे बिकने वाले हैं, आज से तू मेरे ही अंडे खाएगा। कॉपी दिस। सर एक्सक्यूज मी। बोलो कौन छे? एनी मासी ने, तू तो वही अंडा वाली है ना? सॉरी सर, आपका चेहरा तो वांद्रा जैसा दिखता है। नहीं नहीं। तो क्या गधेड़ा जैसा दिखता है? नहीं। एनी मासी ने, ए छोकरी तू सुन ले, मेरे मोढ़े पर इंडा फोड़ के तू ये समझ रही है कि मैं तुझे इंडे का ऑर्डर दे दूंगा? तो और भी कोई मामू है क्या सर? आओ बाजू वाली बिल्डिंग में बैठा है। अच्छा वो उधर बैठा है। हवाई चल रही है वहाँ, ना तो कोई मामा है और ना ही कोई मामी, तारो ऑर्डर कैंसल। सर हाँ। मेरे कच्चे अंडे खाने से इंसान जवान दिखने लगता है। 25 का लगूंगा। आपके मुंह पर अंडा मारते ही आपकी शक्ल देखिए खिल गई है। शट अप एनी मासी ने। सर एक गेट आउट। ओए ओए चमेली की तेल रुक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? बेटा किसको बुला रहे मामू? पहले मेरे 4,500 निकाल चल। ओए मेरे हक के पैसे मांगे, तेरी जायदाद नहीं मांगी। देखो तुम हट्टी कट्टी हो, हाथ पैर सही सलामत है, भीख मांगने से अच्छा काम कर लो ना। मम्मी एक तो तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से मेरी फिरकी ले रहा। अरे मेरा फोन, ये ले मेरा एड्रेस, खाने के हाथ से पैसा दे, धोने के हाथ से फोन ले जा। तुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा, घर में तो बड़ा शेर बनता है और लड़की के सामने भीगी बिल्ली बन गया, तुझे क्या लड़कियों से पिटने के लिए बड़ा किया मैंने? परेशान थी बेचारी, मेरी वजह से उस बेचारी लड़की का नुकसान हो गया, इसलिए उसने मुझे चांटा मारा। और आप भी मुझे डांट रही हो सकता है उसे कोई गलत फहमी, कहीं वही तो नहीं है? हाँ वही होगा, उसी की हरकत होगी और चांटा तुझे पड़ गया। तू उस लड़की के घर जा, उससे कह तूने कुछ नहीं किया, तेरे भाई ने किया है, और उस लड़की को तू डबल चांटा मार कर वापस आना, वरना रात को खाना नहीं दूंगी। सुन अंदर कहाँ जा रहा है? ये सब्जियां इधर आ, इधर आ, कहाँ ना इधर आ, इधर आ, जा। लड़की से पिट के आ गया। अंडे को चाय की पत्ती के पानी में डाला, बाद में उसको भिगोकर बाहर निकाला और तैयार हो गया अपनी फैक्ट्री से निकला हुआ देसी अंडा। जबरदस्त, लोगों को किस तरह से उल्लू बनाते हैं ये तो कोई तुझसे सीखे बेटी। भिगोया धोया और हो गया आम अंडा, बन गया खास अंडा। अरे बाप रे, इंग्लिश अंडों को देसी अंडा बना के बेच रहे हो तुम लोग? ओए तू मेरी फैक्ट्री में कब घुस आया? जब तुम अपने अंडों को चाय पिला रही थी, पब्लिक को चूना लगाती हो। हाँ तो क्या करेगा तू, सबको बताएगा क्या? जाना बताना, पर उससे पहले मेरे 4,500 दे और यहाँ से पतली गली से निकल ले। मैं यहाँ तुम्हें पैसे देने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना फोन लेके तुम्हें तुम्हारा चाटा लौटाने आया हूँ। हिम्मत है तो मालती को हाथ लगा के दिखा, मार ना, अरे मार मार ना, क्या हुआ, हाथ तो लगा के दिखा घोचू। मुझे घोचू बोला? हाँ बोला। कुछ और सुनना है क्या? तूने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए और तेरी वजह से उस कॉलेज के मामू पर मैंने अंडा फेंका और अपने ही पेट पर लात मार दी, इसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ऐसी गाली दूंगी कि सेंसर भी सुन नहीं पाएगा। हवा टाइट हो गई, चुपचाप मेरे 4,500 दे और फोन लेके निकल, कल सुबह मेरे घर आना और अपने पैसे ले जाना। तू क्या रजनीकांत का दामाद है जो तेरा एड्रेस मुझे पता होगा? चल एड्रेस बता, कल आऊंगी। उसे चांटा मारा? कस के मारा। जोर से मारा ना? एकदम जोर से। सच में मारा ना? अब क्या लिख के देना पड़ेगा क्या माँ? क्या रे, अपनी माँ को झूठ बोल रहा है? माँ माँ माँ, एक लड़की को भला मैं कैसे मार सकता हूँ, इट्स नॉट राइट। मैंने उसे अपने घर का पता दिया है, वो कल यहाँ आने वाली है।
ये क्या चांटा मारने भेजा था घर का पता देने नहीं? माँ तू बस देखती जा क्या होता है। माँ 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 क्या कर रहा है? कोई बेल बजा रहा है। अरे ये वही लड़की होगी, कोड़ी घर पे है ना? हाँ अभी आया है। हाँ टाइमिंग एकदम करेक्ट है। यू वेट हियर सी दिस। अरे आप फिकर मत करो, मैं कलेक्टर से बात करके सब कुछ सेट कर दूंगा। इतनी घंटी कौन बजा रहा है? क्या खाता है रे तू? एक रात में खेतीबाड़ी इतनी बढ़ गई? पड़ोस के आदमी के बाल चेहरे पे गोंद से चिपका लिए क्या? कुछ भी कर, मुझे झांसा नहीं दे सकता। मैं पैसे के लिए अपने पापा को भी ना छोड़ू तो तू क्या चीज है? कौन है रे तू? तूने ही तो बुलाया था, चल पैसा निकाल। काहे के पैसे? ओह लगता है मामू को रात की उतरी नहीं है इसलिए सब कुछ भूल गया। मेरा चाटा तो अच्छे से याद है ना? चाटा? हाँ काहे को मारा था? तूने मेरे अंडे तोड़े तो मैं क्या तेरी आरती उतारती? चाटा ही मारो। यस तुमने ही मुझे कल बोला था कि मेरे घर आके पैसे लेके जाना, इसलिए मैं आई हूँ। तो तुम्हारा फोन भी लाई हूँ। तू जिसको ढूंढ रही है वो अंदर है। अंदर? जोर से पड़ी क्या बेटा? तूने जुड़वा पिक्चर तो देखी होगी। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। एक अंडे से दो मुर्गे निकले हैं। माया तुम्हें अंडा बोल रही है। सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, बेकार में ही चाटा मार दिया। अरे कोई बात नहीं, भैया ने मारा ना, हिसाब बराबर हो गया। इससे तो सूखा पापड़ भी नहीं टूटता, सारे काम भाई से करवाता है। क्या माँ? मेरे बेटे की गलती की वजह से तुम क्यों नुकसान सहो? कल आके अपने पैसे ले जाना। ठीक है आंटी। मुझे वो मेरा फोन। हाँ हाँ वैसे रात को ये बहुत बज रहा था, सुबह देखा तो पता चला कि रात को कोई वर्मा उछल रहा था। अरे वो कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार से इतना कहा कि मामू तो दिमाग से पैदल है कि इतनी बार फोन कर रहा है। ये लो, मैं किसी और की चीज कभी अपने पास नहीं रखती हूँ। ये रहा तुम्हारा सिम कार्ड, नया फोन खरीद के उसमें डाल देना। अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। तुम बहुत चालू हो। अब तेरे इस फोन में मैं अपना सिम कार्ड डालूंगी, रिचार्ज करवाते रहना। हा? नमस्ते आंटी। हाँ। चलती हूँ, टाटा बाय बाय। ये लड़की तो आफत की पुड़िया है। जैसी भी है बहुत अच्छी है माँ। सिर्फ अपने हुनर से नहीं बल्कि मेहनत से आज डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेन्स विंग की लीडर बन गई है, तो स्वागत कीजिए रुद्रा का। सबसे पहला मेरा इस पावन धरती को सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ भीम जैसे मजबूत, अर्जुन जैसे समझदार, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रंगा जी की, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके दिल में बहनों और माओं के लिए इज्जत है, बच्चों के लिए प्यार है और गरीब सताए हुए लोगों के लिए रहम भरा है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं दुर्गा का रूप हूँ, रुद्रा आपकी रुद्रा। अपनी रुद्रा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर उससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? अरे इस रुद्रा को मैं नहीं बनाया है, जीतने के बाद ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। कल इसी स्टेट से ऑपोजिशन के डिस्ट्रिक्ट यूथ सेक्रेटरी कोडी ने अपनी मर्यादा को भूलते हुए हमारी सरकार को बुरा भला कहा, मुझ पर उंगली उठाई, सीएम साहब पर उंगली उठाई। ये है कौन, एक एरा गरा पार्टी वर्कर? कोडी संभल कर पहले राजनीति को समझो, फिर माइक पर आकर बोलो। अगर हमारी पार्टी की झूठी निंदा की तो तुम्हारी पार्टी का झंडा उखाड़ फेंकेंगे। क्या ये? तूने स्टेज पर कहा कि मैं सनकी और बदतमीज हूँ, तो तू मुझे ऐरा गैरा पार्टी वर्कर बोलेगी? पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनों का मुंह बंद करना पड़ता है। अरे काई को करने का इतना मगज मारी, मेरे से शादी कर डालना, बढ़िया से खाना बना, मेरे कपड़े धो, बर्तन साफ कर, बच्चे पैदा करके उनको संभालने का मजा उठा, और रात में अपने सांस के पैर भी दबा डालने का। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैंने जो अपने लिए मंजिल चुनी है ना, वहां तक मैं पहुंच कर रहूंगी। ऐसा क्या? वैसे तेरे सपने में मैं भी हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, किसी एक कोने में। कोने में? अपने तो पूरे सपने में तू ही है। जानती है कल रात के सपने में अपन दोनों क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे?
अरे बताने का क्या है, असली में करता हूँ ना। ए, इसको दूर फेंक नहीं तो काट लेगा। ये काटेगा और क्या। चल, ए, बोल चल काट। फेंक ना। अरे ए, बोला था ना काट लेगा, काट लिया ना। कुछ भी नहीं हुआ। पता है इंडिया के 70% सांप जहरीले नहीं है, हम बेकार में डरते हैं। ए, ए, रुद्रा क्या हुआ, आंखें खोलो रुद्रा। बोलो। सर मानता हूँ कि इसने आपके मुंह पे गलती से अंडा फेंक के मारा, लेकिन उसके लिए ये बहुत शर्मिंदा है। अब इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए ना। एली मासी ने क्या हुआ, सारी मुर्गियाँ किसी मुर्गे के साथ भाग गई क्या, या सनबात लेने गई हैं? ये लो कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस। मेरी पोती ने एक गुंडे से 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया था। हम अब तक इतना ब्याज दे चुके हैं कि मूल रकम से ऊपर जा चुका है, लेकिन अब भी वो हमसे 1,00,000 रुपया मांग रहा है। इसलिए वो यहाँ से हमारे पोल्ट्री का सारा सामान उठा के ले गया और मालती की बेइज्जती भी की। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मालती, तुम फिक्र मत करो। दाढ़ी निकालूंगा तो मेरी पार्टी मेरे को मार के भगाएगी। मेरे पछड़े का मैं क्या है जो तू मेरे को अपने पछड़े में डाल रहा है। चल निकल। प्लीज भैया, उस बेचारी लड़की को एक गुंडा तंग कर रहा है, मेरे लिए इतना कर दो ना। क्या रे, कान के नीचे खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, प्यार व्यार का लफड़ा तो नहीं है ना, बत्तीसी दिखा रहा है। तेरी तो सेटिंग हो जाएगी लेकिन आप उनका ब्रेकअप हो जाएगा। मेरी वाली मुझसे ज्यादा दाढ़ी से प्यार करती है। चल निकल, कॉलेज जाके पढ़ा जा। चिकना होने को बोल रहा है। अरे क्या यार, बोतल रख दिया, बर्फ नहीं मंगाया, नीट पीना पड़ेगा। आओ रुद्रा, आओ, आ जाओ, ये अपनी पार्टी के दिग्गज लोग हैं। नमस्ते। हाँ, इसको तो मैंने कई बार पार्टी मीटिंग में देखा है, इस लड़की में बचपन से ही कुछ तो बात थी। ए चुप कर, रुद्रा यूनियन की सेक्रेटरी बनना चाहती है। यहाँ आज सारे मिनिस्टर मौजूद हैं, इसीलिए मैंने रुद्रा को यहाँ मिलने के लिए बुला लिया। ए रुद्रा, चल हमारे लिए आइस लेके आ। इसके लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर में जाओ, बाईं तरफ सीढ़ियाँ चढ़ो, तुम्हें सामने ठीक फ्रिज दिखेगा, वहाँ से सीधा बेडरूम में चले जाओ। ए क्या बकवास कर रहे हो, तुम जाओ रुद्रा। क्या कुछ भी बोलते हो, ये कोई बाजारू लड़की नहीं है। अबे उसे देख के तेरी भी तो लाल टपकती है, पैसे फेंक और मजे कर, पार्टी ऑफिस से सीधा तेरे बिस्तर में। अरे वो पॉलिटिक्स में है, पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। इसकी माँ तो पैसे के लिए कुछ भी कर लेती थी। तुझे ये सब कैसे पता, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अबे तुझे कुछ नहीं पता, 10वीं फेल। ए मैं फेल वेल नहीं हूँ, मैंने एमए किया। एमए काहे का एमए, मैं जानता हूँ तूने पैसे खिला के जाली सर्टिफिकेट बनवाया। अरे धीरे बोल धीरे, किसी को पता चल जाएगा तो केस हो जाएगा। खंबा अंदर गया नहीं कि कुछ भी बोलता है। सारे पेपर तैयार हैं मैडम, कल कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। मिनिस्टर रंगाराव के खिलाफ कोर्ट में फर्जीवाड़ा का केस फाइल किया गया है। सुबह 9 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना होता है, आप मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं करके रखती, सिर्फ कोड़ी की करके रखती हो। पैसा कमाऊं मैं और खर्च करे वो, और मदद मांगो तो अकड़ दिखाएगा। एक तो मेरी बेचारी दोस्त प्रॉब्लम है, मैंने उसे हेल्प मांगी, वैसे तो दिन भर खुले सांड की तरह शहर में घूमे। क्या कुछ नहीं भैया, जा। हाँ ओके। रोकड़ा पूरा है, अपना सामान ले और निकल यहाँ से। भाई हमने आपको आपके पैसे तो दे दिए ना, तो जिस तरह आप सामान उठा के लाए थे उस तरह पहुंचा भी दो तो। जा रहे सामान छोड़ के आ। अरे नूडल बाल एक मिनट, इसके घर पे आपने तोड़फोड़ भी बहुत जबरदस्त की थी भाई, तो उसका भी खर्चा पानी मिल जाता तो। लड़की को 5,000 दे। भाई आपने सबके सामने लड़की को ना जाने क्या क्या बोला था, तो कितना अच्छा होगा अगर सबके सामने आप इसके पैरों पे गिर के अपनी नाक रगड़ दो। भाई ये तो ए क्या रे, खुद को हीरो समझता है? ये सब क्या बोल रहा है तू, मार खाने का इरादा है क्या, चल यहाँ से चल। छोकरी ने क्या बोला सुना ना, चल निकल यहाँ से। लेकिन मामला तो तभी सेटल होगा ना। जा इसका मामला सेट करके आ।
अबे तेरे लिए थोड़ा चमका तो दिया लेकिन आईने में देखने को डर लग रहा है। अरे बड़े अच्छे लग रहे हो भाई, बस मेरी इज्जत रख लेना और कुछ नहीं। आराम से ऑटो में बैठ के शो देखो ना, फर्स्ट डे लाइव शो फ्रंट सीट। तुम्हारे गूगल पे गूगल गूगल पे सर्च मार के ढूंढ लेता हूँ। अच्छा तो चूरा लगा रहा है। भैया भैया क्या है भैया, इधर क्या है? दो ना दो ना, ये ले। थैंक यू भैया। अबे कहाँ भाग रहा तेरी तो, क्या रे मुझे उल्लू बनाता है, मुझे घनचक्कर समझा क्या? अरे नो प्रॉब्लम, यू टेक तुम्हारा टाइम। लगता भांडा फूटेगा। अरे तू फिर आ गया, अरे तू मारने वाला है या मार खाने वाला है? तुझे क्या लग रहा है? मार खाने वाला है। अरे 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 बाप रे, ये तो मारने वाला है। सब कुछ जैसा था वैसा ही सजा डालना। फर्जी डिग्री मामले में मिनिस्टर रंगा के खिलाफ फाइल की गई PIL की आज कोर्ट में सुनवाई है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नमस्कार जज साहब। Do you want to say anything about this case? हाँ, मैं नहा के आया हूँ, बास मार रहा हूँ क्या? I am asking you, do you want to explain something to the court? चोट? अरे वो तो कल लगी थी, अभी एकदम फर्स्ट क्लास। MLA हूँ ना, फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ। I am talking about your case. भेस? अरे भेस बदल के नहीं आया हूँ। आप पर ये इल्जाम है कि आपकी MA की डिग्री फर्जी है, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर तभी तो मैं बच्चा था, अब तो अकल आ गई है, माफ कर दो। तुम क्या सीनियर सिटीजन हो जिसने पेंशन अकाउंट खुलवाया है? इस फ्रॉड के लिए मैं तुम्हें 3 साल की सजा सुनाता हूँ और तुम्हारी MLA की कुर्सी भी गई। क्या कुर्सी भी गई? हाँ। जय माता दी, ए शाम तक मेरी बेल हो जानी चाहिए। सर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? सर जवाब दीजिए। सर हमने सुना कि आपकी कुर्सी चली गई, कैसा लग रहा है आपको? ये क्या बोला रे तू, क्या बोला? एजुकेशन मिनिस्टर के लुंगी उठाने वाले अभद्र व्यवहार के बाद हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनकी पार्टी मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। इसका मतलब जल्द ही पोलाची डिस्ट्रिक्ट में फिर से बाई इलेक्शन होंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की होती है, मालूम नहीं है क्या? इधर भी पंगा करता है कोई, अपना आदमी है, छोड़ से। नेताजी आ गए हैं, काम पे लग जाओ। डाले पुलिस है या साला वॉचमैन है? गाड़ी को आगे ले चल। हाँ सर। सुनो CM साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, रास्ते को जल्दी क्लियर करवाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं CM साहब, हमारी पार्टी की एक लड़की विरोध जताने के लिए सेलफोन टावर पर चढ़ गई है, हम किसी और रूट से चले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो, हमारी पार्टी की लड़की सेल टावर पर चढ़ के विरोध कर रही है और तुम कह रहे हो कि हम उसे छोड़कर किसी और रूट से आगे बढ़ जाएं? मुत्तु इसी रोड पे चलो। वैसे ये लड़की है कौन?
माइक यहाँ लाओ। उस लड़की का नाम क्या है? रुद्रा। रुद्रा नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी मांगों पर विचार करेंगे। मैं पार्टी का लीडर हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। फौरन नीचे आ जाओ। नमस्ते सीएम साहब। ये क्या रुद्रा, तुम हमारी पार्टी वर्कर हो, फिर ऐसा बचपना क्यों? हमारे मिनिस्टर रंगाराव को पोस्ट से निकाल दिया गया है। दरअसल ये ऑपोजिशन की एक चाल है, हमें इस केस को सुलझाना होगा और ये साबित करना होगा कि हमारे मिनिस्टर को इस केस में फंसाया है। बेटा वो जाहिल आदमी मिनिस्टर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, वो 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है। सीएम साहब मैं जानती हूँ कि रंगाराव अनपढ़ है, इलेक्शंस होने तक मीडिया इस खबर को रात दिन हेडलाइंस बनाकर चलाएगा। मैं तो बस इस केस को उल्टा करके आने वाले इलेक्शंस में किसी तरह सीट जीतना चाहती हूँ। रुद्रा की मांग बहुत ही जायज मांग है। पार्टी रंगाराव का केस लड़ेगी और साबित करेगी कि वो बेगुनाह है, और फिर तब जाके सबको हम पर यकीन आएगा। सर एक और सवाल। सर, एक सवाल, क्या आप बताएंगे, क्या पार्टी रुद्रा जैसे समर्पित कार्यकर्ता को भविष्य में टिकट देने के बारे में सोच सकती है? इसका फैसला पार्टी मीटिंग में होगा और जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। पिछले 25 सालों से बाई इलेक्शन में हमारी पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन इस साल रूलिंग पार्टी की वजह से हमें एक मौका मिला है। इस बार हम जीत सकते हैं। रंगा की फर्जी मार्कशीट की खबर चलाकर मीडिया हमें आधा इलेक्शन तो ऐसे ही जिता देगी। बस हमें एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो हमारी जीत को पक्की कर सके। तो कौन होगा वो उम्मीदवार? नेताजी, उम्मीदवार एक अनुभवी आदमी होना चाहिए, जैसे कि हमारे वीरा रेड्डी। इनका कैरेक्टर बहुत ही साफ है और ये 2 बार इलेक्शन भी जीत चुके हैं। पॉलिटिक्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है जिसका हमें फायदा हो सकता है। नेताजी माफ करना, मुझे नहीं लगता वो सही उम्मीदवार है। ए, कोड़ी तू कुछ भी बोलेगा हम सुनते रहेंगे क्या? ए, कोड़ी तू तो बच्चा है, ज्यादा होशियारी मत कर। ज्यादा ही बड़ी बातें करने लगा है। मैंने कल महाकाल के मंदिर में 100 चक्कर काट के आपके लिए मन्नत मांगी थी, प्रसाद लीजिए लीडर जी। अरे लीडर तो अंदर बैठे हैं रुद्रा। पर मेरे लीडर तो आप ही हैं। कभी तुम टावर पे चढ़ जाती हो, कभी मंदिर के चक्कर लगाती हो और लीडर मुझे कहती हो। भाई वो प्रकाश माइक पर आपकी धज्जियां उड़ा रहा है, उसको बोल काट के रख दूंगा। हाँ हाँ भाई। देखा आपने, अगर पार्टी में पोस्ट ना हो तो कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने भी नेताजी से कह दिया है कि मैं जिसे चुनूंगा वही कैंडिडेट होगा। सीएम सर आपकी बात मानेंगे? मानेंगे, झक मार के मानेंगे। उनके बेनामी संपत्ति का मालिक मेरा बाप ही तो है। तो आप पहले ही अपने मन का कैंडिडेट चुन लीजिए। अरे वो तो मैं चुन चुका हूँ, हर्षद राणे उसके लिए एकदम सही कैंडिडेट है, वो वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। भाई वो हर्षद राणे माइक पे कह रहा है कि आप एक नंबर के कमीने इंसान हो। देखा मैंने इसे सर पे चढ़ाया तब ये मेरे ही कान में मुतरा है। ए विक्रम शिंदे अभी भी अंदर है क्या? हाँ भाई अभी भी अंदर है और आपके खिलाफ बकवास कर रहा है। एक मेरा राइट था एक मेरा लेफ्ट था, लगता है दोनों ही कट गए। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस आंखें बंद कीजिए और माँ दुर्गा आपको सही रास्ता दिखाएंगी। अरे मैं आंखें बंद करके क्या करूँ, माँ दुर्गा तो सामने खड़ी है। हाँ पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ। नेताजी फेल होकर भी स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर बनना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह यह है कि रंगाराव ने पैसे खिला के एमए की जाली डिग्री ली है। कानून किसी अनपढ़ आदमी को इलेक्शन लड़ने से रोकता नहीं है। वैसे भी ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो है नहीं कि सबकी डिग्री चेक की जाए। हमारे कई ऐसे लीडर थे जिन्होंने अंगूठा छाप होते हुए भी लोगों की सेवा की है, महान काम किए। नेताजी मैं खुद भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन लोगों ने आपको वोट डाला ना नेताजी। कुछ दिन पहले MG रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन धनराज भाई ने एम्बुलेंस के आने का वेट नहीं किया, उसने जख्मी लोगों को अपने ट्रैक्टर में डाला और हॉस्पिटल लेके चला गया। वो अनपढ़ है लेकिन लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटते। मेरी राय में तो इनको ही टिकट मिलना चाहिए। ए, खड़े होना। नमस्ते नेताजी। पार्टी में सैकड़ों लोग हैं लेकिन पार्टी की इज्जत ऐसे लोगों से ही बनी हुई है नेताजी, और मेरे पे विश्वास ना हो तो वीरा भाई से पूछ लो। क्या वीरा भाई, सही है ना? सही कहा। ठीक है नेताजी, धनराज को खड़ा होने दो। ना सही कहा ना? पायला दो भाभी। भगत ने बोला था ना मैं मीटिंग में हूँ, तो बार बार फोन क्यों कर रही थी? तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए ना कि मुझे कोई जरूरी काम होगा। मैंने तुम्हें 13 फोन किए, तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि कोई जरूरी काम होगा। अरे 56 छुरी भड़कती गाय को है। MLA कैंडिडेट का सिलेक्शन चल रहा था, अपन ने जो बोला वही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है। अरे जब अपन बोलना शुरू किया ना तो नेताजी ने भी अपनी बातों का समर्थन किया, पता है? चल बोल, यहाँ काई को बुलाया, बोलना। तुम्हारी जितनी जरूरी बात नहीं है, पर आने वाले इलेक्शन में पार्टी मुझे टिकट दे रही है। क्या बात कह रही है, सचमुच? सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शन खत्म होने तक मैं अपने पोस्ट पर ही रहूंगी। ये सच है? तेरे को पोस्ट देने वाला कोई अंधा था क्या? क्या कहा? तुम्हारे कहने का मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ? तेरी पार्टी में किसी को भी उठा के टिकट दे देते हैं क्या? तुम्हारी पार्टी में ऐसा होता होगा, मेरी पार्टी में टैलेंट की कद्र है। कितनी बार कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ,
पर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। देख रुद्रा, मेरे नेताजी जानते हैं कब किसको क्या देना चाहिए क्या नहीं, और सीएम रंगा के काम से नाराज हो चुके थे इसलिए एमएलए की टिकट तुम्हारी झोली में आ गिरी। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ तो है ना, तुम मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? अरे रुद्रा, अरे मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। आजा लेट जा, आजा आजा। तू एमएलए कैंडिडेट बन गई है, साथ में जिला सचिव भी है, तुझे तो मेरे से भी बड़ी पोस्ट मिल गई है, अब जरा मेरी भी तो फिक्र कर। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अच्छा। इलेक्शंस के बाद मुझसे शादी कर लेना, फिर तुम्हारी चांदी। अरे यार कर दी ना बोरिंग वाली बात, वो सब तो होता रहेगा, फिलहाल तो मस्ती कर लेते हैं। एए, व्हाट्सएप में देख क्या आया है। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन लेक्चर के दौरान नहीं। सॉरी सर, थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे भी ले लो। मुझे अभी के अभी पैसों की जरूरत है, पता भेजो वहां ले आओगे? पैसे मैंने इस बच्चे के लिए मंगवाए हैं, इसका नाम है रेवती, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, इतनी होनहार बच्ची है, पर इसकी तकदीर में कब तक जीना लिखा है ये नहीं पता। तुमने मुझसे उस दिन पूछा था ना कि मैं पैसे क्यों बचाती हूँ, अपने गांव वालों की मदद के लिए। मालती। हाँ दीदी। यहाँ आओ। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है दीदी, अब रेवती ठीक हो जाएगी। ये मेरी बहन है और ये उसके ससुर जी। नमस्ते जी। गाँव में सबकी हालत इतनी खराब क्यों है? ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है, अन्नामलाई में बनी मर्क्यूरी की फैक्ट्री इसकी वजह है। लेकिन फैक्ट्री को तो बंद कर दिया गया था ना? फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा, मर्क्यूरी का जहरीला कचरा तो वहीं की जमीन में दफन है। बेटा WHO की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि मर्क्यूरी दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ है। जमीन में दफन होने के कुछ सालों बाद मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी में बदल जाती है, जो मर्क्यूरी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इससे उस जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे, सब्जियां, पानी, पानी में मौजूद मछलियां, यहां तक कि उन्हें खाने पीने वाले इंसान भी धीरे धीरे मौत के मुंह। ये बातें आप सरकार को क्यों नहीं बताते? हमने कितनी बार बताया बेटा, रिपब्लिक पार्टी सिर्फ वही मुद्दे सुलझाती है जिससे अमीरों को फर्क पड़ता है या फिर उनके वोट बैंक को फर्क पड़ता है, तो वो उन्हीं मामलों को उठा के सुलझाते हैं जिनमें उन्हें फायदा नजर आता है। हम पहाड़ों पर रहने वाले 100-200 आदिवासी हमारी कौन सुनेगा, किसके पास इतना वक्त है बेटा। तो ये बात आप अपोजिशन वालों को बता सकते हैं? यही तो रोना है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने 20 करोड़ की रिश्वत लेकर रिपोर्ट में ये झूठ लिखवा दिया कि फैक्ट्री के आसपास मर्क्यूरी के मलबे को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और उस केस की फाइल भी बंद कर दी। हमने सबका दरवाजा खटखटाया, कई डिपार्टमेंट में गए, सॉइल टेस्ट करवाई, वाटर टेस्टिंग करवाया, इतनी गालियां खाई, ताने सुने, उसके बावजूद केस से जुड़े कई अहम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए। मेरे पास कई बड़े NGOs के प्रूफ भी हैं, लेकिन मैं लेकर किसके पास जाऊं? सालों पहले एक बेचारे आदमी ने फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए खुद को आग लगा ली थी। अगर हम सब मिलकर आज अपने आप को जला भी देना, फिर भी हमें इस जन्म में न्याय नहीं मिलने वाला। डॉक्टर, माना फैक्ट्री बंद हो चुकी है लेकिन फैक्ट्री का कचरा साफ नहीं किया गया, लेकिन एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने फाइल पर साइन करके ये कहा कि फैक्ट्री के आसपास का पूरा इलाका साफ हो चुका है। RTI फाइल करने के बाद मुझे जो पेपर्स मिले उससे ये पता चला कि फैक्ट्री में सफाई का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ये देखिए, कुड़ी तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, पर पार्टी के लिए फंड भी जरूरी है। 20 करोड़ की रिश्वत इसने सिर्फ अपने लिए नहीं ली थी। ये गलत है नेताजी। देखो, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हम इलेक्शन जीत रहे हैं, जीतने के बाद हम कचरा साफ कर देंगे, लोगों की सारी तकलीफें दूर कर देंगे, जमीन की खुदाई करके मर्क्यूरी को साफ करवा देंगे, और ये सारा काम पार्टी के फंड से होगा, इसीलिए ये बात दबी रहनी चाहिए। इससे कहिए फाइल यहाँ छोड़कर जाए। घोड़ी, फाइल यहाँ रखो,
तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नेताजी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? ये फाइल मुझे ही रखने दो, सेफ रहेगी। जीजा जी, देखा वो लड़का आपसे कैसे बात कर रहा था? उसने बात लीक कर दी तो? उसका नाम मैंने रखा है, वो मेरा नाम खराब नहीं करेगा। इतने सारे बच्चे खतरे में हैं, इसमें उन बेचारे मासूमों की क्या गलती है? बलि का बकरा बनाया जा रहा है उन बच्चों को, ताकि उनकी लाशों पर हम नोट सीख सकें। नेताजी से भी ऊंची आवाज में बात की। अच्छा होता कि तुम सारे प्रूफ लाकर सीधा मुझे दे देते, मैं अपनी पार्टी से मुद्दा उठवाती और ये खबर आग की तरह फैलती। काय के लिए? तुम इलेक्शन में जीत जाओ इसलिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। सपने देखते रहो। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने 20 करोड़ की रिश्वत लेकर अन्ना मलाई मर्क्यूरी फैक्ट्री वाली फाइल पर साइन किया, जिसमें लिखा था कि इलाके को साफ कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों को शर्म आनी चाहिए। बहुत जल्द मैं मीडिया के सामने सारे प्रूफ लेकर आऊंगी। उस वक्त तक लड़ूंगी जब तक मासूमों को न्याय नहीं मिलता। आपने तो कहा था कि बात बाहर नहीं आएगी, उसने आपकी क्या पार्टी की भी धज्जियां उड़ा के रख दी। रुद्रा के साथ हाथ मिला लिया है उसने। ओह नो, पार्टी की गाड़ी। बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो, हमारा लव हम दोनों का पर्सनल मैटर है, और तुम भी तो मेरी पार्टी की धज्जियां उड़ाते रहते हो, तो मैंने कर दिया तो क्या गलत हुआ? ये सारी बातें मेरे और नेताजी के बीच की थी, मैंने तेरे पे भरोसा करके ये बात तेरे को बताई थी। इस बात को दिल पर मत लगाओ, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसी बहाने अब तुम्हारा मिनिस्टर कोई काम भी करेगा। हम दोनों ही लोगों की भलाई सोचते हैं ना। तूने ये लोगों की भलाई के लिए नहीं किया है, तूने ये अपने फायदे के लिए किया है। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अरे ये राजनीति है, अगर अपने बारे में नहीं सोचूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे विधानसभा से संसद तक जाना है, और अगर तुम कोई एमएलए वगैरह भी होते ना, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ती। हाँ बोलो हरी भाई। कोड़ी कहाँ है तू? जल्दी पार्टी ऑफिस आ जा। हाँ आता हूँ। कोड़ी क्या हुआ, कोई लोचा हुआ है क्या? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने तोड़ दिया। नेताजी ये सब मैंने नहीं किया। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, फिर ये बात बाहर कैसे आई? या तो तू ऑपोजिशन के लिए काम करता है, या तुझे उसके लिए पैसे मिले हैं। ओए, ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये मेरे पिता का घर था और अब आपुन का घर है। इसकी वजह से आपुन ने अपनी माँ के साथ पिछले 10 सालों से बात नहीं की, वो आपुन को खाने के लिए भी नहीं पूछती, और 10 साल से आपुन ने भी उनको माँ कह के नहीं बुलाया। आपुन तो यहाँ पे सिर्फ अपनी पार्टी और नेताजी के लिए है, इसलिए सोच समझ के बात कर। तेरा ये ड्रामा बंद कर, तू नेताजी को चूना लगा सकता है, हम लोगों को नहीं। जो भी फैसला लेना है नेताजी लेंगे। अगर मेरे मुंह से ही बात सुननी है तो कल से यहाँ मत आना। नेताजी ये आप, और जब तक मैं तुमसे ना कहूं पार्टी ऑफिस में मत आना। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था, पर तुमने मुझे निराश कर दिया। भाई कोड़ी ऐसा नहीं है। ज़बान लड़ाता है, चल निकल। आग अभी भी उतनी नहीं फैली है। हम मीडिया से यह कह सकते हैं कि यह रूलिंग पार्टी की चाल है, पर अगर वो सबूत लेके कोर्ट में चला गया तो हम न सिर्फ ये बाय इलेक्शन हारेंगे बल्कि असेंबली इलेक्शन भी हारेंगे। सॉरी भैया, मैंने बेकार में तुम्हें इस मामले में घसीट लिया। मामला बेकार नहीं है, इसी की वजह से अपने पापा ने खुद को आग लगाई थी। अब ये बताओ कि इस मुसीबत को खत्म कैसे किया जाए। वो लौंडा खत्म तो मुसीबत भी खत्म। हाँ नेताजी, हम ये पहले कर चुके हैं, रास्ते का कांटा निकालना हम अच्छे से जानते हैं। क्या मतलब, किसी की जान लोगे क्या? तो और क्या, अगर उसे नहीं मारा तो हम सबके सब फंस जाएंगे। क्यों नेताजी, सही कह रहा हूँ ना? और कोई ये बात नहीं जानता कि उस कोड़ी के पास फैक्ट्री के पेपर्स और सारे सबूत हैं। वीरा जैसा कहता है करना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स एक दलदल की तरह है भैया, धोखाधड़ी, कीचड़ उछालना, छुरा भौंकना, ये तो सारी आम बातें हैं भैया। अगर तुम्हें इसमें टिके रहना है तो तुम्हें इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ये तुमसे नहीं होगा भैया, और ना ही तुम ये सब कर पाओगे। पॉलिटिक्स तू मुझे सिखाएगा क्या? जाके अपने लेक्चर के नोट्स बना जा।
मेरे पास इसके लिए सही आदमी है, वो काम तमाम करके चुपचाप सरेंडर भी कर देगा। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। आप तो ऐसे ही बैठे रहिए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलो माँ। अम्बू बेटा, मैं शहर का रेलवे फाटक पार कर चुकी हूँ, मुझे जल्दी से लेने आ जा। हाँ मैं आता हूँ, मैं माँ को लाने जा रहा हूँ। तू रुक जा, मैं लेके आता हूँ। क्या? क्यों, माँ मुझसे बात नहीं करती इसलिए? कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा, तू देखना। आने के बाद वो बात भी करेगी और साथ में खाना भी खाएगी, तू टेंशन मत ले। जा, प्रोफेसर है तो मुझे लेक्चर देगा। कोड़ी नेताजी तुझे अभी के अभी बुला रहे हैं। अभी बुला रहे हैं? ऐसी क्या बात है, आधी रात को क्या काम पड़ गया? अच्छा कहाँ है अभी वो? मुझे कैसे पता होगा, उन्होंने कहा कि फोन करके वो तुझे ही बताएंगे। तू जा और माँ को लेके आ। हाँ ठीक है। आ रहे, तुम लोग रेडी रहना। नेताजी ने खास करके बोला है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू कहां जा रहा है। हाँ बोल। कोड़ी किधर है तू? बाहर हूँ, क्या हुआ? बाहर किधर? अरे फोन क्यों किया बोलना। तेरे साथ कोई है क्या? बोल। पार्टी के सारे लोग तेरे पे भड़के हुए हैं, थोड़ा संभल के रहना। और हाँ, अकेले कहीं मत जाना, ठीक है? देख मुझे दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुझे फोन करता हूँ। ठीक है। अरे कहाँ है तू? मैं आ रहा हूँ माँ। जल्दी आ जा। हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। ये माँ भी ना कितनी बार फोन करती है, लगता है झाड़ी में कोई जानवर होगा। ठीक है भाई, ए कोड़ी को यहीं उतार दे, हमें भाई ने इसी वक्त बुलाया। ए किधर भाग रहा है? रुक, कहाँ भाग रहा है? ए चल चल चल। ए तुम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपको ठेस पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मामला बाहर नहीं जाना चाहिए था, मैंने तुम्हें फाइल दी क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था, अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। नेताजी बात को मैंने लीक नहीं किया। नमस्ते, इस बाय इलेक्शन में हमारी पार्टी का कैंडिडेट है, यहां आओ। आओ
कोड़ी, पार्टी के एक ऐसे वफादार का बेटा है जिसने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शाबाश, नमस्ते करो सबको, मिलो सबसे। ऑपोजिशन इस इलेक्शन में चाहे किसी को भी सिलेक्ट करे, मैं उसे हरा कर रहूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। अब तुम क्या करोगे? पार्टी को जिताओगे या सबके सामने सबूत लाओगे? पार्टी का नाम मिट्टी में मिलाओगे? बधाई हो कोड़ी, अब तुम कैंडिडेट हो। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इतनी बड़ी पोस्ट होती है? अबे दिमाग से पैदल जरा दिमाग लगा। इनके नीचे 6 MLA और 1 MP होगा। डिस्ट्रिक्ट की सारी पॉलिटिक्स यही संभालेंगी। इसने रंगा पर ऐसा जादू चलाया कि उसने इसे रानी बना दिया। अब मुझे देखो, 40 साल के अपने करियर में लोगों के तलवे चाट चाट कर मैं सिर्फ MLA बन पाया हूँ। सालों पहले पार्टी के सम्मेलन में मैं ही रुद्रा का हाथ पकड़कर उसे पहली बार स्टेज पर लेकर गया था। मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। नमस्ते मैडम जी, आशीर्वाद दीजिए मैडम जी, बड़ा वाला। साक्षात देवी, औरतों की शान, रुद्रा मैडम आई, नया सवेरा लाई। जय हो, जय हो, जय हो। ये तो मेरे पतंग काटकर अपनी पेच लड़ा रहा है। ये डफर मुझे ब्लफर बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अरे नए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तो मेरी चमची है, आपका काम हो जाएगा। वो मेरे हाथों की कठपुतली है, जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगी। चल फोन रख, आजा रुद्रा, आजा आजा। लीडर जी उठिए ना। अरे पैर वैर छूने की अभी क्या जरूरत है? मैंने तुमसे कहा था ना कि रुद्रा आते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। हा? अरे कहाँ गई? एकदम बराबर। अरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की चेयर है, एकदम कमाल लग रही हो तुम इस पर। ये जयलक्ष्मी है मेरी असिस्टेंट, वार्ड नंबर 17 का इंचार्ज मैंने इसको बनाया है। अब श्री गणेश करते हुए इस फाइल पे चुपचाप साइन कर दो। तुम प्लीज जरा बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। इसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जाओ। आज के बाद मेरे ऑफिस में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्टी ऑफिस रैली इस जिले में तो कहीं नजर नहीं आने चाहिए। यूर अ फ्रॉड, धोखेबाज, नीच। लोगों ने तेरा मनहूस चेहरा देखा ना, रेपिस्ट पे बन जाएगा तू। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होती किसी बिल में घुस जा। जिला सचिव होने के नाते मेरा ये ऑर्डर है। ए, तुझे ये पोस्ट मेरी वजह से मिली है और तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? इस खेल का मामा शकुनी हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना तो मैं रेप रेप चिल्लाऊंगी। चीटा तो पहले से ही है, रेपिस्ट पे बन जाएगा तू। चल फुट, तुझे तुम्हें चल निकल बे। कलेजे में ठंडक पड़ गई तेरे? तेरी राजनीति और गुंडागर्दी का अंजाम इसे भुगतना पड़ा। अगर इसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हेलो कोड़ी, मुझे उसका पता चल गया है जिसने अनबू पर हमला करवाया था। कहाँ है वो? अरे अरे अरे, बस करो। अरे बेचारे से गलती हो गई है और कल से हर न्यूज में बस तुम ही छाए हुए हो। ये तुमसे बस माफी मांगने के लिए यहाँ आया है। और तुम्हारा भाई भी इतना शरीफ नहीं है, उसने इसको और इसके आदमियों को मारा था। ए, मैंने इसको एक लड़की को तंग करने और गाली देने के लिए मारा था। अगर मैं गलत होता तो अब तक ये मेरे खिलाफ कंप्लेन कर चुका होता। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बस झगड़ा खत्म करने के लिए आया है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ चलो आओ, हाथ मिलाओ और मामला खत्म करो। चलो पहले बता इसने तुझे कितने में खरीदा है? तो पुलिस वाला है, FIR दर्ज कर और इसको अंदर डाल, चमचा मत बन। FIR तो फाइल करूंगा, लेकिन तेरे खिलाफ इसको मारने के लिए। कोड़ी तू भूल रहा है कि तू MLA कैंडिडेट है, तो क्या बोलते हो, कर दूं तेरे खिलाफ FIR? चलने के FIR, लेकिन इसको मारने के लिए नहीं, तेरे को ठोकने के लिए। तेरे ही पुलिस स्टेशन में तेरे ही लोगों के सामने तेरे को ठोकूंगा। चल डाल मेरे को अंदर। अंबू को अगर कुछ हो जाता ना तो जान ले लेता। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैंने अपनी भतीजी के इलाज के लिए इससे पैसे उधार लिए और बेकार में ही यह इस मामले में उलझ गया। इसने पैसे चुकाने के लिए आपके गहने भी बेच डाले और गुंडों को भी मारा।
अरे माँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बकती रहती है। कहने तेरे भाई ने नहीं, तूने लिए। अरे ये फ्रूट क्या घर लेके जाओगी? अरे इसमें फ्रूट्स नहीं है, इसमें मेरी देसी मुर्गी के अंडे हैं। ए, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, सच में देसी मुर्गी के अंडे हैं, मैं अभी अभी लेकर आ रही हूँ। आप उनको बुरा लगा क्योंकि नेताजी नाराज थे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ में इतनी जल्दी हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। सच में ये हालात जितने दिखते हैं उससे ज्यादा पेचीदा है। तुम्हें टिकट इसलिए दी गई ताकि तुम सबके सामने प्रूफ लेकर ना आओ, वैसे भी सिलेक्शन में तुम्हारी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाएगी। क्यों मजाक कर रही हो रुद्रा? मीडिया की रिपोर्ट ये बोल रही है कि तुम इस बार नहीं जीतने वाली। वैसे भी इलेक्शन के जो नतीजे होते हैं वो जनता पर डिपेंड करते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। ये किसने कहा? हम दोनों के जीतने के 50-50 चांसेस हैं, समझे? और ये मत भूलो कि हम रूलिंग पार्टी हैं और हमारे पास पैसे हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से हार जाओ। हाँ, नेताजी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, कम से कम उनके लिए तो मुझे जीतना ही होगा। मैं लड़ने में कसर नहीं छोड़ूंगी। लड़ो ना, मना किसने किया है? तुम अपनी जीत के लिए लड़ो, मैं अपनी जीत के लिए मेहनत करूंगा। देखो, राजनीति और जिंदगी दोनों अलग हैं, इन दोनों को मिलाओ मत, ठीक है ना? वैसे तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे? सच्चाई है। अब कौन मजाक कर रहा है, राजनीति और सच्चाई? राजनीति सच्ची भी हो सकती है। आने के लिए आपका धन्यवाद। रूलिंग पार्टी ने हमारे सीनियर पार्टी मेंबर और एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी पर मर्क्यूरी फैक्ट्री केस में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच है। सर, आप पहले पॉलिटिशियन हैं जो अपनी पार्टी के मेंबर के करप्शन को उजागर कर रहे हैं। मैं सिर्फ बता नहीं रहा, उन्होंने ये दावा किया था कि कचरा साफ किया गया था, ये उनका साइन किया गया सर्टिफिकेट है, और ये मेरी उनपे फाइल की गई FIR है ताकि पुलिस इस मामले की जल्द से जल्द जाँच शुरू कर दे। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बल्कि इस मामले को हम कैसे हैंडल करते हैं इससे पता चलेगा कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। जब मैंने सारे सबूतों को बाहर लाने की बात कही तो मेरी पार्टी ने मुझे MLA कैंडिडेट बना दिया, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेरी पार्टी की नीयत क्या है। अगर मैं MLA बन गया तो मैं फैक्ट्री के आसपास के इलाके को अच्छे से साफ करूंगा और वहां रहने वालों को एक नई जिंदगी मिलेगी, ये मेरा वादा है। नमस्ते जय हिंद। कराची कैंडिडेट कोड़ी द्वारा अपनी पार्टी और एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने आज उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ भाई, चलता हूँ। ठीक है भाई। मुझे वो पेपर्स चाहिए जो उसने मीडिया के सामने रखे थे, बदले में तू जो बोलेगा तुझे वो मिल जाएगा। क्यों भाई, का लिए? तू क्या चाहता है, पेपर लाके मैं तुझे दूं? हां, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन कोड़ी को कभी धोखा नहीं दूंगा, समझा? मैं तेरे जैसे आदमी पे थूकता हूँ। तेरी तो लावारिस, तेरी औकात दी मेरे सामने दारू पीने की, लावारिस कहीं का? मैं लावारिस नहीं हूँ, कोड़ी मेरा सब कुछ है। अगर कोड़ी को पता चला ना कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है तो यह हाथ बचेगा नहीं। डर मत, मैं नहीं बोलूंगा, उसे जीतना है, कोड़ी को जीत के MLA बनना है, समझा? कोड़ी को कोई नहीं हरा सकता। बेल पर बाहर आए हो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। प्रॉब्लम तो तब होगी जब वो इलेक्शन जीतेगा, पर वो जीते ही ना। तो बात ऐसी है कि अगर रूलिंग पार्टी बाय इलेक्शन में हार गई तो पूरे स्टेट में हम पर लोग हंसेंगे, पार्टी का हाई कमान हमारे मुंह पर थूकेगा। चा, 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 पहले तुम थूकना बंद करो, अगर मुझे पता होता तो छाता लेकर बैठता। चुप कर, यहाँ सीरियस बात हो रही, तुझे मजाक सूझ रहा है? ये बता, हम जीतेंगे कैसे? अरे लोगों के वोट चाहिए तो उन्हें नोट दो। हमारे पार्टी का मेंबर कमजोर है इसलिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मुझे कमजोर कहने वाले आप कौन है? ए सुनो मैडम, आजकल डाइट पर है इसलिए कमजोर दिखती है। लेकिन मैंने मर्क्यूरी फैक्ट्री को लेकर ऑपोजिशन को एक्सपोज किया और मेरी वजह से हमारे कैंपेन को मजबूती मिली। काहे की मजबूती मिली? तुमने कहा था कि तुम सबके सामने सबूत पेश करोगी, कोटी ने एक कर दिया, अपने पार्टी वालों को जेल भेज के वो हीरो बन गया, या फिर तुमने उसे हीरो बना दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो मैडम, तुम्हारा और उस लड़के का कुछ तो रिश्ता है, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। मैडम जी के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत है या ऐसे ही बके जा रहे हो? एक शब्द भी अगर मैडम जी के बारे में और कहा तो मैं जबान खींचूंगा तुम्हारी। मैडम का चमचा फालतू की बातें कर रहा है। मैडम जी कुछ कहती नहीं है तो सर पे चढ़ोगे क्या? बेकार की बातें चलती हैं यहाँ पर। बैठ जाओ, चुप बैठ,
अच्छा सुन, मैडम जी के और कोड़ी के चक्कर वाले सबूत इकट्ठा कर ले और उसके पोस्टर छपवा दे। अच्छा, पोस्टर के नीचे लिखवा दूं एमएलए रवि नायर की तरफ से? हाँ, फिर मैं तुझे एक जगह लात मार के काम से निकाल दूंगा। चल अब ज्यादा दिमाग मत लगा, काम पे लग जा। शहर भर में लगे ऑपोजिशन कैंडिडेट कोडी और मेरे पोस्टर्स मेरे खिलाफ रची गई एक साजिश है। ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही मैं उसे कभी मिली हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने फोटोशॉप करके उसके साथ मेरी फोटो लगा। ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो कह रहा था ये कोडी के साथ शादी करने वाली है। अरे ये पॉलिटिक्स है माँ, तुम छोड़ो, चावल दो मुझे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तो तुमसे मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। टीवी पे तो तुमने मुझे एकदम से अजनबी बता दिया। भले ही ये एक झूठ है, पर जब मैंने सुना तो मैं तो एकदम हिल गया। जब मुझे इतनी ठेस पहुंची तो तुम्हें भी कितनी तकलीफ हुई होगी। बहुत हुई, पर तुमने जो हरकत की है उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं। ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। तुमने कहा था हमारा रिश्ता पॉलिटिक्स के आगे नहीं आएगा, लेकिन कुछ वोट्स पाने के लिए तुमने शहर भर में हमारे पोस्टर्स लगवा दिए। ए, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर गए, हमारा रिश्ता तक बाजार में नीलाम कर दिया। ए, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल। वो फोटो 2 साल पहले हमने केरला में खिंचवाई थी, याद है? अब किसी ने उस फोटो का पोस्टर बना के दीवार पे लगा दिया तो उसका दोष मेरे को मत दे। एमएलए बनने के लिए तुमने अपने ही आदमी को जेल भिजवा दिया, तो अपनी प्रेमिका की इज्जत दांव। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि जीतने के लिए तेरा इस्तेमाल करूं। तू इतने सालों में मुझे जान भी नहीं पाई, पागल हो गई है तुझे तो। इसको जिताने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और महारानी अब ऑफिस आई है। पोस्टर से साफ पता चल रहा है तू किसके साथ मुकाला करवा रही थी। सही कहा, हम एक दूसरे को चाहते हैं। तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? जब रोमियो जूलियट एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होंगे तो पब्लिक किससे वोट करेगी? किसी ने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो सब तुम्हें मिसेस एमएलए कह के बुलाएंगे। इलेक्शन हारने पर रूलिंग पार्टी की धज्जियां उड़ जाएंगी। देखो भैया, पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को मिक्स मत करो। न जाने ऐसे कितने आशिक हैं जो रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी में हैं। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें मैडम जी का क्या दोष है? देखिए भाइयों, ये मैडम जी का पत्ता साफ कर रहा है। आइडिया बुरा नहीं है, इससे कम से कम हमें हार की जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ेगी। पर ये गलत है। कोडी का फोन बार बार क्यों काट रही हो? उठा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? बेचारा जानने को बेताब होगा यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। जाओ पार्टी की सारी खबर दे दो, जाओ ना। बस कुछ पोस्टर्स के छप गए, तुम सब डर गए हो ना? ये मत सोचना कि हम लोग डर गए हैं। पार्टी या प्रेमी, फैसला तुम्हें करना पड़ेगा, वरना पार्टी से रिजाइन करके निकल जाओ। चलो जाओ। रुद्रा, तुम अच्छी तरह जानती हो आने वाला इलेक्शन जीतना हमारे लिए कितना जरूरी है। तुम चाहती हो कि प्यार के चक्कर में पड़कर तुम ये इलेक्शन हार जाओ? मैं पक्का जीतूंगी सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे जीतोगी? रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तक तुमने क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे क्या रास्ता चुनती हो। इसी पे तुम्हारा पूरा भविष्य टिका है। मैं तुम्हें पूरे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। इलेक्शन में हमारे लिए जीत का माहौल बनाओ, वरना मुझे कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है, जल्दी से मिल मेरे को। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ कोडी। ए, तू पहले मिल, चल। हेलो।
सुनो माँ, आप सोचती हैं पॉलिटिक्स ने पापा की जान ली, लेकिन उन्होंने अपनी जान इसलिए दी ताकि मैं नेता बन सकूं। मेरे लिए आपसे बढ़के कोई नहीं है, पर प्लीज मुझे पापा के लिए ये करने दो। इलेक्शन के बाद रुद्रा और मैं शादी करने की सोच रहे हैं। एक बार आप उससे बात करेंगी तो तूने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आ गया। चलो पास आओ। देखो मैंने मां से बात कर ली है, उनको बोल दिया कि इलेक्शन के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगी। मेरे पार्टी वालों को ये तक पता चल गया है कि मैं आज तुमसे मिली थी, पता नहीं कैसे। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो कोडी। ये क्या कह रही है, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? जानते हो आज पार्टी ऑफिस में क्या हुआ, मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। उन्होंने कहा मैं पार्टी पर धब्बा हूं और मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। बचपन से अब तक न जाने मैंने कितनी बार स्टेज पर पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिया, अपने सभी दुख तकलीफ सब भुलाकर बस पार्टी के बारे में सोचा। और जब सब कुछ ठीक हो गया था तो मैं तो बस एक जिंदा लाश बन गई हूं। अरे ये, ऐसा क्यों बोलती हो यार, मैंने कुछ नहीं किया। भाई उसके साथ एक लड़का भी है। दोनों को काट डाल, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिंदा मत छोड़ना उनको। ठीक है भाई। किधर जाएगा बच के? तुम निकलो, निकलो यहां से, तुम जाओ मैं इन्हें देख लूंगा।
हराने का मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, मैं बस दुआ कर रही थी कि उनमें से एक आदमी तुम्हें खत्म कर दे ताकि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे ये खुद करना पड़ा। मेरी महत्वाकांक्षा के बीज अब जड़ पकड़ चुके हैं। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊंगी या नहीं, पर पार्टी, पोस्ट और पावर के बिना मैं जी नहीं सकती। तुम मर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मरोगे तो मैं लीडर बनूंगी, तुम्हारी मौत में मेरी कामयाबी है। रुद्रा पॉलिटिक्स में शिखर पर पहुंचेगी। चल दफा हो जा, किसी ने तेरे भाई की जान ली और तू यहाँ सबकी जान खा रहा है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, समझा क्या? छानबीन चल रही है, पता लगा लेंगे। चल निकल। क्या घूर रहा है रे मुझे? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। अरे अनबू, फिर से यहाँ दिखाई दिया ना तो कुचल के रख दूंगा। मत मारिए, ले जा इसे। कोड़ी जिंदा होता तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। कोड़ी ने पुलिस स्टेशन में उस आदमी को पीट दिया जिसने उसके भाई को मारा था। शिंदे और उसके बीच में गर्मा गर्मी हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। पार्टी की रही सही इज्जत बचाने के लिए हमें कोड़ी के जुड़वा भाई अनबू को टिकट देनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सहानुभूति ही बिगड़े काम बनाती है। अगर आप कोड़ी की माँ से बात करें तो शायद कुछ हो सकता है। हमें अब अनबू को पार्टी की तरफ से टिकट देनी है। नहीं बेटा, पहले ही राजनीति मेरे पति और बेटे को खा चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अंबू उस दलदल में जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहती। इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मान जाएं। अपने कोड़ी के लिए माँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कोड़ी के सपने पूरे करें? उसके बिना उसके सपने उसकी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती।
तुम जाओ बेटा, जाओ। माँ, मैं लड़ूंगा। अनबू, तू राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता, तू चुप कर। मैं सब जानता हूँ माँ, मैं लड़ूंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तुझे नहीं पता तेरे भाई और बाप के साथ क्या हुआ था। अपनी माँ पर तरस खा, अंदर जा। मैं लड़ूंगा माँ। बेटा, तेरा बाप और भाई तो इस दुनिया से चले गए और हमें रोने के लिए छोड़ गए। कम से कम तू तो मेरी बात मान। अब तेरे अलावा मेरा कौन है? राजनीति में जाने की सोचना भी मत बेटा। मैं तैयार हूँ। ये क्या कह रहा है तू? कोलाची विधानसभा में स्वर्गवासी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कोटी के भाई अनबू को रिपब्लिक पार्टी ने आने वाले इलेक्शन में अपना कैंडिडेट घोषित किया है। सदा सुखी रहो, खुश रहो। नेताजी, बेहतर होगा हम इस इलेक्शन में ना उतरे। वैसे भी हम इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं। आपका कीमती वोट इस मोमबत्ती को दीजिएगा। इस कैन में रखे दूध की कसम, वोट तो मैं अनबू को ही दूंगी। नमस्ते माँ जी। चलता हूँ। भाई साहब नमस्ते, आपके चरण कहाँ है? भूलना मत, वोट मुझे ही देना। भाई साहब, ये ऑटो स्टैंड कोड़ी ने बनवाया था, इसलिए हमारा वोट तो अनबू को ही जाएगा। ए गंजे, इधर आ। थू! इस गंजे को बोला था मैंने नाम वापस लेने को। वैसे भी वही जीतने वाला है, फिर अपनी जमानत जब्त कराने का क्या मतलब है? सर, टोटल 23 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उनमें से 22 ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ है। सर, मैं नॉमिनेशन वापस लेना चाहता हूँ। राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ और वो निर्विरोध जीत गया। आज से अनबू पोलाची विधानसभा के नए एमएलए हैं। पार्टी की तरफ से मैं रुद्रा को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हमें जीत दिलाई। मैंने आपको इतनी बड़ी जीत दिलाई है तो मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? सर, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तमिलनाडु से पार्टी को जो 5 राज्यसभा एमपी चुनने हैं, अगर उसमें मेरा नाम भी होता तो मैं पार्टी का नाम और भी ऊंचा कर पाती। अगर मैं आपको उसकी हकदार नहीं लगती तो मैं अपनी कही बात वापस लेती हूँ। राजनीति के दांव पेच तुम अच्छी तरह से जान गई हो रुद्रा, और फिर तुम होनहार भी हो। लिस्ट में रुद्रा का नाम भी डाल दो। ठीक है सर। हम अपनी नई राज्यसभा सांसद रुद्रा ठाकुर का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज कोलाची डिस्ट्रिक्ट आके हमें अपने दर्शन का मौका दिया। जरा गाड़ी साइड में लगाना। क्या हुआ माँ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ नहीं बेटा, तुम एमपी बन गई हो, अनुभव एमएलए बन गया है, पर मुझे बहुत डर सा लग रहा है। ऐसा क्यों? कोड़ी के गुजरने के बाद अनुभव का रवैया बहुत बदल गया है। कभी कभी वो कोड़ी जैसी हरकतें करता है, इसलिए मैं एक डॉक्टर से मिलने गई थी। इस कंडीशन को कहते हैं ट्विनलेस ट्विन। जब एक जुड़वा की मौत हो जाए तो ऐसे में दूसरा जुड़वा हो सकता है पहले वाले की तरह जीना शुरू कर दे। वंस अ ट्विन ऑलवेज अ ट्विन। दिमाग के लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि उसे कोई ऐसा छोड़कर चला गया है जिसके साथ उसका संबंध माँ के गर्भ से था, जिससे उसमें ऐसे लक्षण दिखते हैं। कुछ लोग अपने जुड़वे की लाइफस्टाइल अपना लेते हैं और उसी तरह बर्ताव करते हैं, और कभी कभी तो वो अपने जुड़वा की तरह ही मरना चाहते हैं। आपका बेटा पहले केस की तरह है। अनबू का कोड़ी का स्टाइल कॉपी करना, उसकी हरकतों में ढलना, ये कोई विचित्र बात नहीं है, ट्विन्स में ये आम है। ऐसा पहले भी देखा गया है, आजकल इंटरनेट पर या फेसबुक पेजेस पर और ब्लॉग्स में भी इनके बारे में लिखा गया है। आपका बेटा अब सिर्फ अनबू नहीं, कोड़ी भी है। कोड़ी एक ताकतवर और साफ साफ बात करने वाला लड़का था। अनबू एक शांत लड़का है जो अपना काम निकालना बखूबी जानता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कोड़ी है कि अनबू। एमपी रुद्रा जिंदाबाद, 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 एमपी रुद्रा जिंदाबाद। वेलकम बैक। More.
ये सब फॉर्मेलिटीज क्यों? आप एमपी, मैं एमएलए, मैं तो बस आपकी पोस्ट को इज्जत दे रहा हूँ। राजनीति और जिंदगी दोनों अलग हैं, दोनों को मिलाओ मत। थैंक यू। नमस्ते सर, आपके भाई को जिसने मारा ना, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा सर। वो मेरा भाई था, मैं खुद पता लगा लूंगा। सर आप बिल्कुल कोड़ी जैसे लग रहे हो, अनबू जी नहीं लग रहे हो? अनबू भी मैं हूँ, कोड़ी भी मैं ही हूँ। नमस्ते सर, आपको जो भी चाहिए होगा हम मिलके वो मैनेज करेंगे। मैं ऑफिशियल पीए हूँ, ये दोनों पर्सनल। नमस्ते सर। तो मेरा खाना पीना सब तुम्हारे इशारों पर चलेगा, यही तुम चाहते हो राइट? नहीं नहीं सर, आप पॉलिटिक्स में नए आए हैं ना, इसीलिए। पॉलिटिक्स मेरी रगों में पैदाइशी है, मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, और ये भी कि ये भले लोगों का क्या हाल करता है। सबसे पहले तो मुझे इलाके के सारे बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स से रोकड़ा चाहिए, आसान भाषा में रिश्वत चाहिए। आमतौर पे हम सेक्रेटरी को पैसे देते हैं, अब एमएलए को कैसे पैसे दे दें मैडम? वो काम में कोई अड़ंगा तो नहीं अड़ा रहा है ना? पैसे दे दो उसे। सर इस फाइल में उन सारे लोगों के नाम और पैसों की डिटेल्स हैं। नमस्ते सर। सॉरी सर, मैं 15 मिनट लेट हो गया। ये बेचारे तो 15 साल से देरी ही झेल रहे हैं। मर्क्यूरी फैक्ट्री की वजह से जो कोई बीमार पड़े हैं उनका सारा खर्चा, हॉस्पिटल से लेकर दवा सब कुछ हम दे देंगे। पर सर पैसे, मुझे डोनेशन में 75 लाख रुपया मिला है, उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये सारा ब्लैक मनी है, इसे हम कैसे यूज करें? नोट तो हरे है ना? नोट तो एक नंबर है सर, पर देने वाले लोग 2 नंबर वाले हैं। तुमने जो लिस्ट दी थी उन सारे नामों की जल्द से जल्द रसीद तैयार करो, कल वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंच जानी चाहिए। सर इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होगी तो? यही तो असली बात है ना, लोग चाहे मरे सड़े उसके लिए उनकी जेब से पैसा नहीं निकलता, लेकिन अगर एमएलए मांगते तो उसको खुश करने के लिए तुरंत पैसे दे देते हैं। पैसा कहां से आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छे से जांच करने दो, तब जाके उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। राजनीति में हर चीज जायज है मैडम, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, जो करना है सोच समझ कर करना है, वरना पासा कभी भी पलट सकता है। बॉडी को घूर क्या रहे हो, इंसानी जिंदगी की कीमत नहीं है? सर हमने एम्बुलेंस का फोन किया है। तब तक भूत बन के खड़े रहोगे? इसे मेरी जीप में डालो, चलो। अरे भगत हाँ, इनके साथ जा। हाँ ठीक है। ओए तेंदुए ने जब गाय पर हमला किया तभी कुछ करना चाहिए था, उस वक्त तुम लोग कहाँ मर गए थे? सॉरी सर, तेंदुओं की हरकतों पर नजर रखने के लिए हमने कैमरे लगवाए थे, लेकिन नशेड़ी उन्हें चुराकर मार्केट में बेच देते हैं। मतलब लोग मरते रहेंगे और तुम लोग बहाने बनाते रहो? नहीं सर, हमने 6 में से 5 कैमरों का पता लगा लिया है, लेकिन यूकेलिप्टस के जंगल में लगा कैमरा अब तक हमारे हाथ नहीं लग पाया। ये सच है कि कैमरा गायब हो गया था और हम भी उस कैमरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिलते ही सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे सर। हाँ ठीक है, मैं तैयारी करके रखती हूँ। अनबू था? हाँ दीदी। बालती तू अनबू से प्यार करती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दीदी, पर तेरी आंखों से तो यही लगता है। हालात ऐसे हैं कि अभी उसे मेरे दिल का हाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो पहले वाला अनबू नहीं रहा, एमएलए अनबू बन गया है। उसके कामकाज में उसकी मदद करने से मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है दीदी। संभल के, एमएलए के पीछे बहुत लोग होते हैं, कहीं कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। मैडम नए एमएलए ने फैक्ट्री का कचरा साफ करने के लिए पैसा जमा किया और हीरो बन गया। आपने कहा था वो पॉलिटिशियन नहीं है और आपके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करेगा। सेंट्रल पॉलिटिक्स की वजह से डिस्ट्रिक्ट पर अपनी पकड़ मत खोना। एक बात याद रखना, आपकी पहचान आज भी डिस्ट्रिक्ट से ही है। अब जल्दी कुछ करो वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। नमस्ते भाभी जी। अनबू जरा ये गॉगल्स निकालो,
मुझसे मशवरा लिए बिना मर्क्यूरी फैक्ट्री के मामले में कुछ भी मत करना। ये मेरे भाई की आखिरी इच्छा थी, तुम चाहती हो मैं उसे पूरा ना करूं? नहीं, बस अभी मत करो। तो कब? बोलो ना, जब सब मर के उसी जमीन में दफन हो जाएंगे तब? रुद्रा, मैं पीड़ित लोगों से मिला हूँ, अगर तुम भी उनसे मिलते तो ऐसी बात नहीं करती। हमने अगर ये मामला अभी उठाया तो लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। मैंने पार्टी में तुम्हें मिनिस्ट्री देने की बात की है, तुम बस मेरी बात सुनो ताकि अगला इलेक्शन भी हम ही जीते। मैं पॉलिटिक्स में किसी मिनिस्ट्री या पोस्ट के लालच से नहीं आया, मैं यहाँ बस दो वजह से आया हूँ। पहली, फैक्ट्री के काम को अंजाम देने के लिए। दूसरी, मेरे भाई के कातिल को ढूंढ के उसको मसलने के लिए। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम और ना ही पार्टी हाई कमांड। पता लगाओ कि इसके लिए कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि आगे चल के अगर सवाल उठाने हैं तो सारे डिटेल्स हमारे पास होने चाहिए, उसके बाद ही मैं उन लोगों से मिल पाऊंगा। सर, मर्क्यूरी फैक्ट्री मामले में एमएलए साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी सास मर गई है, मैं सवा महीने ऑफिस नहीं आऊंगा। किडनी ट्रांसप्लांट करना है सर, मैं 15 दिन से नहीं। अपनी कामवाली के घर पे काम करने जाना है सर। सर, मिनिस्टर ने कहा है। सब बहाने बना रहे हैं कोड़ी, हमें पार्टी हाईकमान से हटके काम नहीं करना चाहिए, कुछ हासिल नहीं होगा। भाभी के साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे सबका भला होगा। क्या हुआ अनबू? कोई भी नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा था कि लीडर्स को नजरअंदाज मत करो। पॉलिटिक्स वैसी नहीं जैसा तुम सोचते हो। 20 कुर्सियां लगा ली, तंबू खड़ा कर लिया और हो गई पब्लिक मीटिंग। ये पॉलिटिक्स है, पोजीशन और पोस्ट के बिना तुम बिना बिजली वाले फ्यूज बल्ब हो। पर देख की बात यह है कि पार्टी के बिना यू आर जस्ट अ सिंगल मैन। जस्ट अ सिंगल मैन, हर कोई सिंगल ही पैदा होता है मैडम, लेकिन मैं डबल पैदा हुआ था। मैं इस मामले को कानूनी तौर पर सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये चाहती हो कि ये एक जन आंदोलन बने। ठीक है, तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अनबू, तुम चाहे जितने पंख फड़फड़ा लो, कोई कीड़ा या चींटी नहीं आने वाली। लोगों को जमा करना एक हुनर है जो तुम्हें नहीं आता। लोगों को जमा नहीं किया जाता, वो खुद जमा हो जाते हैं। आगे आगे देखती जाओ। बेटा, WHO की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि मर्क्यूरी दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ है। जमीन में दफन होने के कुछ सालों बाद मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी में बदल जाती है, जो मर्क्यूरी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मर्क्यूरी से क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये तो आपने इस वीडियो में देख लिया। अब इस वीडियो को फॉरवर्ड, शेयर, लाइक और कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है। मैदान में उतरना पड़ेगा डट के। If we all come together, if we all join our hands, we can still make a difference. अगर आप में से किसी को भी समाज की रत्ती भर परवाह या फिक्र है, just give me a ring. आज तक आपने कॉर्पोरेशन ग्राउंड पर सिर्फ एग्जीबिशन या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को होते देखा है, इतिहास में पहली बार आप वहाँ स्टूडेंट्स की ताकत को देखेंगे। वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मर्क्यूरी फैक्ट्री के कचरे को साफ करने के लिए एक रैली करने वाले हैं मेरी लीडरशिप में। मैडम, इस पर्ची पर मेरी फोटो किसने लगाई? सिर्फ पर्चा देखकर शॉक लग गया। पहले वहां तो देखिए मैडम। हमारी पार्टी का एमएलए अकेले ही धूम मचा रहा है। तुम एमपी हो और साथ में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी। ये तुम्हें करना चाहिए था, मीडिया के सामने स्टेटमेंट दो कि हमारी सरकार मर्क्यूरी फैक्ट्री केस जरूर सुलझाएगी। शाम के न्यूज में हमारी पार्टी हर चैनल पर छा जानी चाहिए, समझिए ना? समझ गए सर। साफ करो, साफ करो मर्क्यूरी का कचरा। एक छोटी सी नुक्कड़ सभा से शुरू हुआ मुद्दा अब एक जन आंदोलन का प्रचंड रूप ले चुका है। इसका श्रेय जाता है हमारी ज्वाला एमपी रुद्रा के सपोर्ट और गाइडेंस को।
तुमने कहा था कि मैं चाहे जितने पंख फड़फड़ा लूं लेकिन इस आंदोलन में कोई नहीं आएगा, लेकिन अब तो तुम्हें भी स्टेज पर आना पड़ा। माइक माइक। स्टूडेंट्स द्वारा उठाया कोई भी मुद्दा नाकाम नहीं हुआ है, वैसे ये मुद्दा भी कामयाब होकर रहेगा। मर्क्यूरी के कचरे को साफ किया जाएगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बीमार और पीड़ित लोगों को भाषण बहुत ही अच्छा था। वैसे ये मसला पिछले एक साल से चल रहा है, क्या आप बता सकती हैं कि ये कब तक हल हो जाएगा? देखो अनबू, मैं आदरणीय एमपी रुद्रा मैडम ने वादा किया है कि सरकार इस मामले को एक हफ्ते के अंदर सुलझा देगी, लेकिन ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि मैडम ये खुद ही अपने मुंह से बताएं। मैडम बताइए ना। मुझे कहते हुए ये खुशी मिल रही है कि हमारी सरकार इस मामले को एक हफ्ते में हल करेगी। वैसे मैडम कोड़ी जिंदा है? कितनी बार आपसे कहा है पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होगा, कुछ काम धंधा ढूंढो। बकवास मत कर, जब देखो बड़ 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 किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहे, वरना अपनी मायके चली जा। ए वीरा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। तो क्या करो, वो एक हफ्ते में केस बंद कर देगा, फिर क्या पार्टी क्या करेगी ये बता। देख मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, इस बार अगर मैं जेल गया तो अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुझे और नेताजी को भी घसीटूंगा। वीरा, मुझे लोगों की जुबान को बंद करना अच्छे से आता है, तू बस देखते जा आगे आगे होता है क्या। इस जगह को देखकर कुछ याद आया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कैमरा तेंदुए की हरकत पर नजर रखने के लिए लगाया था, लेकिन कोई चुरा ले गया। वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर मेरे पहचान वाला है, इसीलिए उसने कैमरा और चिप निकाल कर दे दिया। अपनी कीमत बताओ। अभी अभी तो पावर में आई हो और अभी से इतने तेवर, इतनी जल्दी मोल भाव करने लगी? क्या चाहिए वो बोलो। हम कोड़ी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, अच्छा हुआ कि तुमने हमारा काम कर दिया, पर अब उसका भाई नाक में दम कर रहा है। वो अनबू मर्क्यूरी फैक्ट्री का मुद्दा फिर से उठा रहा है, अब उसे भी खामोश करने की जरूरत है। बात को समझ रही हो ना? आदरणीय एमपी रुद्रा मैडम ने वादा किया है। क्या बंदा है, मैंने अपनी 40 साल की राजनीति में ऐसा बंदा नहीं देखा। अंकल जरा सुनो, मैं तो यहाँ तुम्हें पिछले 40 दिनों से ही देख रहा हूँ और तुम 40 सालों की बात कर रहे हो, फिरकी ले रहे हो क्या? नहीं सर, वो तीसरे पेज पर, पेज 3 किसकी फोटो छपी है? वही तो मैं आपको बता रहा था। अंकल पिछले 3 घंटे से फोटो ही देख रहे हो, सच बताओ पार्टी ऑफिस में पेज 3 के फोटो देखने आते हो ना? सर चलो निकलो, चाय हमारी पीता है पर चाय वाले को वोट डालने की बजाय ऑपोजिशन वाले को वोट डालता है। कहिए मैडम, आपने मुझे कैसे याद किया? मैंने सोचा तुम कैमरा लेकर आओगे, मैं रूलिंग पार्टी की एमपी हूँ, किसी दिन मिनिस्टर भी बन जाऊंगी, सोचो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुमने एक सुनहरा मौका गंवा दिया, जिंदगी में मौके खुद बहुत कम दस्तक देते हैं, शुक्र है मेरी वजह से तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है। अब जरा सोचो, अभी तुम एक मामूली इंस्पेक्टर हो, पर ADSP, DSP और SP भी बन सकते हो, पर मेरा कहना मानना पड़ेगा। बताइए क्या करना है? कमल राव का खून, महा डरपोक आदमी हो तुम, आखिर इंस्पेक्टर कैसे बने? क्या करूं मैडम, जब वो कमल गैंगस्टर था तब मुझे देखते ही सलाम ठोकता था, अपने जीजा की वजह से पॉलिटिक्स में क्या घुस गया, अब मुझे उसको सलाम ठोकना पड़ता है। मैंने सोचा था साथ मिलके कुछ काम करेंगे, लेकिन ये तो मुझे ही मामू बना रहा है। अब आपका साथ मिल गया तो उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा मैडम, उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। बताइए मैडम कहाँ मिलेगा वो हमें? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमारा इंतजार कर रहा है। दूसरी गन लेना, सर्विस गन नहीं, इसे यूज करो। हेलो सर, MLA साहब यहाँ आए थे, गायब कैमरे को लेकर हमें बहुत खरी खोटी सुनाकर गए सर। अरे क्या यार, तुम लोग एक MLA को नहीं संभाल सकते, उसको बोल सीधा मेरे से बात कर। MLA का फोन है, स्पीकर ऑन करके बात करो। जी नमस्ते सर। कहाँ है तू? मैं जरा कुछ काम से बाहर। हाँ, कहाँ है बोलना। कोयम्बतूर से पोलाची आ रहा हूँ, 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है, आते ही मुझसे मिलना। ओके सर। बोलता कोयम्बतूर से पोलाची आ रहा है, लेकिन मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। कोयम्बतूर से पोलाची की कोई ट्रेन है ही नहीं। करेक्ट, वो भी पोलाची रूट पर होगा।
कहता है 5 बजे पहुंच जाएगा, यानी इसके मुताबिक वो अभी पछानी के पास होगा। लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? जरूर कुछ छिपा रहा है। तू उसके घर जा, मैं वहां पे जाके देखता हूँ। मैंने तुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था, तूने मुझसे बात करने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? मेरे साथ गेम खेल रही है क्या? देख, तेरे खिलाफ मेरे पास सॉलिड सबूत हैं। तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। जल्दबाजी मत करो, मैं जानती हूँ कब क्या शुरू करना चाहिए और कब क्या खत्म। ज्यादा चालाकी मत कर, तेरे सबूतों को हिफाजत से रखने का मैंने ठेका नहीं लिया है। तेरा असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगा। सेंट्रल मिनिस्टर बनना है ना, सेंट्रल जेल जाएगी तू। रुक, अरे क्या कर रहा है, गोली लग जाएगी। अरे पागल हो गया क्या, हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। ए रुद्रा, समझा इसको, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा। इसको बोल गन नीचे रखे। तो फिर चल उस मेमोरी कार्ड को जला दे। ठीक है, ठीक। टाइम खोटी मत कर। ए, जला दिया, अब तो खुश है ना तू? इसे खत्म कर दो। ए, तूने जो बोला मैंने वो किया ना? नहीं 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 नहीं। ए, 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 नहीं, 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 नहीं। क्या करूं मैडम, जब वो कमल गैंगस्टर था तब मुझे देखते ही सलाम ठोकता था। अपने जीजा की वजह से पॉलिटिक्स में क्या घुस गया, अब मुझे उसको सलाम ठोकना पड़ता है। बताइए मैडम, कहां मिलेगा वो हमें? अगर मैं बंदूक से गोलियां नहीं निकालती तो तू अब तक मर गया होता, इसलिए कभी इन बिचौलियों पर भरोसा मत करना। हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें मिल बैठकर अपने मसलों को हल करना चाहिए। अब सिर्फ मैं ही तुझे और तेरी पार्टी को मचा सकती हूँ, तो आगे से ये कैमरे वाले घटिया खेल मेरे साथ मत खेलना। तू मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ खड़ा रहकर ज्यादा मजबूत होगा। गन से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दे और उसकी जेब में एक सुसाइड नोट छोड़ दे। लिखना, काम के दबाव में अपनी जान ले रहा हूँ, इसकी लाश को साइड में कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही। मरने से पहले आपकी उनसे बात हुई थी, आपने सब इंस्पेक्टर कृष्णा को धमका के उनके बारे में पूछा था। उनके सुसाइड नोट में यह साफ साफ लिखा है कि वो काम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने भाई के मर्डर को सॉल्व करने के लिए आपने उन पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सर, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? वो मैडम, हमें शक है कि इंस्पेक्टर शिंदे के मौत का जिम्मेदार अंबू सर है। आपसे किसने कहा कि ये जिम्मेदार है? जितने भी एविडेंस मिले हैं उससे दोषी यही साबित हो रहे हैं। एसपी साहब, आप मेरे एमएलए के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते, अपने सीनियर से कहो कि वो मुझसे बात करें। अब आप जा सकते हैं। पर मैडम, प्लीज। अनबू, तुम्हें किस बात की इतनी जल्दबाजी है? वो तुम्हारा भाई था, लेकिन मेरा सब कुछ था। मैं खुद उसे मारने वालों को नहीं छोड़ूंगी। कल पार्टी मुझे सेंट्रल मिनिस्टर बनाने का ऐलान करेगी। हम जो जो चाहते थे वो अब हो रहा है। तुम एक एमएलए हो, तुम्हारी हर गलती पार्टी की छवि को खराब करेगी। कोड़ी, जब मरा तब तुम कहाँ थी? उस दिन शहर भर में हमारे पोस्टर्स छप गए थे, तो मैं बहुत गुस्से में थी और मैं उससे मिली तो कोड़ी, जब मरा तब तुम कहाँ थी? बिल्कुल ऐसे ही, मैं उससे लगातार सवाल पूछती रही और उसने मुझे मारा और मैं चली गई। मैंने बस ये पूछा तुम कहाँ थी। हे कोड़ी, तू भाभी पे शक कर रहा है? ए, ये कोड़ी है, ये कोड़ी है क्या? अगर मेरा कोड़ी होता
वो मुझ पर इस तरह शक नहीं करता। कोडी ने मुझे उस दिन फोन किया, मिलने के लिए कहा। उस दिन बहुत टेंशन थी, मैं नहीं गई। काश मैं वहां जाती तो आज भी जिंदा होता और तुम इस तरह मुझ पर सवाल नहीं करते। भाभी, ये तूने क्या किया अनबू? भाभी से ऐसे सवाल पूछ के तूने उनका दिल क्यों दुखाया? जरूरी था। मैं जब इंस्पेक्टर से मिलने गया तो वो मर चुका था। मैंने फोन चेक किया तो पता चला कि उसने एक नंबर पर कई कॉल्स किए थे। मेरा यकीन करो, कोडी के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पार्टी से निकाल दिया तो मैं गोवा चला गया। वहाँ मुझे इंस्पेक्टर शिंदे का फोन आया था और उसने मुझसे कहा कि उसके पास मेरे खिलाफ कोडी का खून करवाने का सबूत है। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और मेरे लाखों रुपए ले लिए। मैं सच कहता हूँ, आपके भाई के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैंने गुंडे जरूर भिजवाए थे, लेकिन कोडी ने उन सबको मार के भगा दिया। यकीन ना हो तो रुद्रा से पूछ लीजिए, वो भी वही मौजूद थी। तुझे क्या हो गया है भाई? तू इसकी बातों में आके भाभी पे शक कर रहा है? हाँ, सच क्या है कल पता चल जाएगा। आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी प्रिय रुद्रा जी 2 दिन बाद सेंट्रल मिनिस्टर की शपथ लेंगी। तो इसका जश्न मनाने और हमारे पार्टी का पैगाम कोने कोने तक पहुँचाने के लिए मैंने राज्य के हर जिले से 7 काबिल लोगों को चुना है और इन 7 लोगों को रुद्रा जी के पावन हाथों से पार्टी का बैज मिलेगा। तो मैडम से मेरी गुजारिश है कि वो यहां आने का कष्ट करें। हुआ? ऐसा लगा जैसे तुमने इंसान नहीं 7 शैतानों को देख लिया हो। पसीने छूट रहे हैं, आंखें धसी हुई हैं और तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। नए मेंबर्स के पार्टी में शामिल होने की खुशी नहीं हो रही है? मुझे नहीं पता कोड़ी को किसने मारा है और उनके साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, यह भी मैं नहीं जानता। पर इतना जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सच बच्चे की तरह होता है, वो अंधेरे से घबराता है लेकिन कभी ना कभी तो उजाले के सामने आ ही जाता है। और जिस दिन ऐसा हुआ वो दिन मेरे भाई के कातिल का आखिरी दिन होगा। ऐसा लगा जैसे कोड़ी सामने खड़ा है। मैं पॉलिटिक्स में बहुत कुछ खो चुका हूँ, पर कोड़ी को खोना मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का था। कोड़ी के कातिल को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वो अपने भाई के कातिल को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और तुम लोग चुपचाप बैठे हो। जब देखो तब रोती रहती है। कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, भूल गई? मर्क्यूरी फैक्ट्री के केस को जीतने के लिए अदालत को जो भी सबूत चाहिए वो सारे के सारे इस फाइल में मौजूद है। कुछ भी हो जाए वो फाइल कल कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये फाइल कोर्ट ना पहुंचे, लेकिन हमें हर हाल में इसे कल कोर्ट में पेश करना है। लेकिन सिर्फ सबूत को ही नहीं, अनबू को भी साफ करना है। भाई वो कोर्ट नहीं गई और जा रहा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। पे नजर रख, वो जहां जाए सारी की तरह पीछे लगा रहे। भाई हम उसका पीछा कर रहे हैं। यानी अनबू कोर्ट जा रहा है, फाइल उसी के पास होनी चाहिए। रुद्रा ने तो कल कहा था कि वो सब संभाल लेगी, अब क्या वो झक मार रही है? अगली बार उसने भाभी पे शक किया ना तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, खाना खाऊंगा और निकल जाऊंगा। आराम से खाना तो खा ले। लो वही है। आंकोड़ी, मैं कोर्ट की सुनवाई के लिए कोयंबटूर जा रहा हूँ, तू बस माँ का ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो घर से बाहर मत निकलना, सबसे संभल कर रहना, खासकर रुद्रा से। समझ गया ना? ठीक है।
हो क्या गया ऐसे? भाभी के पीछे ही पड़ गया। माँ, मैं कल मिनिस्टर बन जाऊंगी, तो उससे पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। आप भगत कहाँ पर है माँ? तू तो कह रहा था ये कोड़ी के साथ शादी करने वाली है। इनको ज्यादा लगी तो नहीं ना, साइड में ले जाके पानी भी नहीं पिलाओ जरा। तेरी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो फाइल लेके आ जा। इसके पास तो कोई फाइल नहीं है। ये फाइल कहाँ है? तुझे फाइल लाने को बोला था ना? मेरी माँ कहाँ है? पहले उसे सामने लाओ। एक तो फाइल नहीं लाया, ऊपर से हीरोगिरी कर रहा। मारो इसको, छोड़ना नहीं। तो ये सोच सोच कर परेशान हो गया ना कि तेरे भाई को किसने मारा? मैंने मारा, अपने हाथों से छुरा भोगा। मेरे खिलाफ खड़ा हुआ और मर गया। आज तू भी मरेगा। समझ नहीं आ रहा कि ये कोड़ी है कि अनुबू।
मुझे लगा था कि तू जानती है कोड़ी को किसने मारा है, पर ये नहीं पता था कि उसे तू नहीं मारा है। अनबु, नहीं बेटा, इसने कोड़ी की जान नहीं ली होगी। कोड़ी ने तो अपनी जान इसकी जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान कर दी होगी। अब इसे मार कर उसके बलिदान को जाया मत कर। पोस्ट मिलने के बाद भी जब इसे सुकून नहीं मिलेगा और ये जिंदगी में अकेली पड़ जाएगी, तब इसे कोड़ी की कीमत समझ आएगी। चल अनबू। सब कुछ था, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा परिवार, लेकिन उससे बढ़ के वो मेरा दोस्त था। मैं चाहता था कि तुम दोनों जिंदगी भर साथ रहो, लेकिन तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कोड़ी के पास भेजता हूँ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं।